اللہ کے بندوں کا آؤ دیکھ تاریخ سفر آؤ دیکھ تاریخ سفر اللہ کے بندوں کا وہ عظیم گزشتہ وقت شک و شبہ شکایت نہ کرتے اللہ کے بندوں کا آؤ دیکھ تاریخ سفر अब्बाजान, क्यों ना हम यहां कुछ देर रुककर आराम कर लें? ठीक है। यहां पानी की गूंज सुनाई दे रही है, यह जगह काफी मुनासिब है। वाकई जगह तो काफी मुनासिब लगती है। आओ। अब्बाजान, हमें अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाएं। मगर तुम तो इससे वाकिफ हो, तुमने मेरे साथ ही जिंदगी गुजारी है। लेकिन कुछ वाकयात ऐसे भी हैं जिनमें हम आपके साथ नहीं थे। ठीक है, मैं शुरू से सुनाता हूँ। आपकी कहानी हमें हमेशा अच्छी लगती है अब्बाजान। आपकी दास्तानें तो हर दौर में सुनाई जाएंगी। कहा जाएगा कि मूसा ने अल्लाह ताला से रूबरू गुफ्तगू की थी। वो बड़ा कश्मकश का दौर था, जब फिराउन ने इब्रानी नस्ल की हर औलादे नरीना के कत्ल का हुक्म जारी किया। वो लड़के जिनकी उम्र 2 साल या उससे कम थी। बेटा
बहुत फट रहा है। ओ मरियम, मैं तुम्हें क्या बताऊं? चलो जल्दी करो, जल्दी करो। जानवर की चीखने की आवाज है। नहीं, ये किसी नन्हे बच्चे की चीख है। जाओ जरा देखो तो। शहजादी साहिबा, ये एक इब्रानी बच्चा मालूम होता है, देखिए तो। मेरे वालिद ने कई इब्रानी बच्चों का कत्ल किया है और उनकी शहजोरी हदें पार कर चुकी है। देखिए तो कितना खूबसूरत है ये। मैं तुम्हें नाम दूंगी और मैं तुम्हें नाम देती हूँ मूसा। मूसा जो पानी से उभरा था, हम इसे मूसा पुकारेंगे। शहजादी थर्मोथिस, इसलिए कि हमने इसे दरिया से निकाला है। हाँ, जिसे दरिया से निकाला। आप इसे अपने साथ नहीं रख सकती। मैं इसे अपने पास रखूंगी, ये मेरा मूसा है, एक मौजजाती बच्चा जिसे पानी से बाहर निकाला गया। अरे प्यारी बच्ची, यहाँ आओ। बच्चे के बारे में क्या जानती हो? आ जाओ बच्ची, आ जाओ, डरो मत। कहो तुम्हें क्या कहना है? क्या आपको इस बच्चे के लिए खादमा की जरूरत है? हाँ जरूर, बुलाओ उसे। शहजादी साहिबा, आप इस बच्चे को आलीजा फिराउन आजम की नजरों से नहीं बचा पाएंगी। मैं इसे छुपाऊंगी नहीं, ये मेरा बेटा है मूसा। इस मौजजाती बच्चे को नील जैसे हयात बख्श दरिया ने मुझे दिया है। बुक पकड़े शहजादी साहिबा। इस बच्चे की परवरिश का मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी। जी जी शहजादी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसका ख्याल रखूंगी। आप भी बचपन में बहुत खूबसूरत रहे होंगे ताकि थर्मोथिस आपसे प्यार कर सके। हो सकता है, वैसे 5 साल तक तो मुझे मेरी माँ ने ही पाला। मैं फिरौन के महल में मिस्र के शहजादे की तरह पला बढ़ा, लेकिन गोशिम में मेरे दूसरे भाइयों का काम मुझे सिर्फ सदमा और जहनी अजियत देना था। अम्मा, कौम के बेटों की मुसीबतों को देखकर मेरा दिल कुड़ता है। मूसा, तुम गोशिम आने का कभी इरादा ना करना, तुम्हारी जगह तो महल में है मेरे बेटे। शहजादा होने के नाते ही मेरी तरबियत का हिस्सा है कि मैं मुल्क के तमाम इलाकों का दौरा करूं, सीखूं कि हुकूमत के इंतजामी उमूर कैसे संभालते हैं। मुझे जिम्मेदार बनाया गया है चिकनी मिट्टी वाले गढ़ों के इलाकों का। गोशिन के बाशिंदे तुंदही और मेहनत से तुम्हारे लिए काम करेंगे। मैं भी उनके लिए दयानतदार साबित होऊंगा। अम्मा जान, आप मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल फरमाएं। शुक्रिया मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ ये कीमती लम्हात गुजारते हुए मुझे जुर्म का एहसास होने लगता है। अम्मा, आप इसका बिल्कुल ख्याल ना करें। हो सकता है अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कोई अहम काम सोच रखा हो। अल्लाह ने मुझे एक ऐसा बेटा अता किया है जो मिस्र के फरमानरवा खानदान के घर का शहजादा है।
चलो चलो जल्दी करो। किस किस्म के गुलाम हो तुम लोग, कुत्तों से भी बदतर। चलो चलो जल्दी करो, साथ चलाओ अपने। चलो लो, हमारा शहजादा आ गया। क्या तुम अपनी काम वाली वर्दी नहीं पहनते? उन्हें दिन भर के लिए दिए गए कामों पर पूरा उतारना है। जी बेहतर है। आओ काम पर लग जाए। कुछ सुना तुमने? सब ये कहते हैं कि फिराउन मेरे भाई को गोशिन का जिम्मेदार बनाने वाला है। आखिर क्यों नहीं, वो इसके लिए पूरी तरह काबिल है। मेरा ख्याल है कि अब सब कुछ बदल जाएगा। मुझे भी इस बात पर पूरा यकीन है। मेरे भाई ने तमाम मुहाफिजों के लिए काफी मुसीबत खड़ी कर दी है। उन्हें अपने कोड़े फेंक कर खुद काम पर लग जाना होगा। उन्हें भी वैसा ही करना होगा जैसा कि मेरा भाई मूसा करता है। ये अपने आप में एक इंसाफ है। वक्त आ गया है कि गोशिन के आवाम की तकलीफों को महसूस किया जाए और उनसे तबादले खिदमत की जाए। मुझे तो अपने बेटे पर बहुत फख्र है। मेरा मानना है वो शायद हमारे सभी लोगों के लिए उम्मीद का वायस हो। हाँ, पर तुम ये बात बिल्कुल मत भूलना कि वो दुश्मन भी इकट्ठा कर रहा है। मूसा, एक अदना सी चीज, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा जो दरिया में तैरती किसी टोकरी में पड़ा था, और अब देखो कि वो क्या बन गया है। अल्लाह पाक उसे महफूज रखे। अब्बा जान, पता है आपको, वो तो इब्रानी भी ठीक तरह से बोल नहीं पाता। वो तो आपकी सोच से भी ज्यादा मिस्री है, और फिराउन का गोद लिया बेटा भी। इसके बावजूद वो इब्रानी भी है और हमारा बेटा भी। क्या ये मर गया? हाँ ये मर गया। उन्होंने जरूरत से ज्यादा ईंटें इस पर लाद दी थी। कहाँ है वो? वो रफाए हाजत के लिए गया है। ठीक है, अपने काम पर लग जाओ। मेरे किसी आदमी को कोड़े से मारने की कोशिश न करना, समझे तुम? मूसा, तुम मेरे लिए बहुत सी मुसीबतें खड़ी कर चुके हो। ये मत समझो कि तुम इन गुलामों से ऊंचे हो। मैं तुम्हें इस डंडे से मारूंगा। तो मर गया, ये तो बहुत मुश्किल हो गई। किसी आदमी को कत्ल करके कैसा महसूस हुआ? आपने इस बारे में हमें बताया ही नहीं। जब मुझे अपनी नाकाबिले तलाफी गलती का एहसास हुआ, मैं शदीद ज़हनी अज़ियत में रोता रहा और मेरी रूह इस एहसास से गुनाह में मुब्तला रही। क्या आपको अपने किए पर अब भी शर्मिंदगी होती है? एक मिस्री के पीटने से एक बूढ़ा मर गया। काश कत्ल करने के सिवा कोई और रास्ता होता। हो सकता है कि वो वाकया हमारी बेहतरी के लिए हुआ हो। कत्ल में कोई बेहतरी नहीं होती बेटे। फिर उसके बाद फिराउन ने क्या किया? उसने चारों तरफ अपने सिपाही दौड़ा दिए। उसे मेरा सर चाहिए था। मूसा, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस तरह वो लोग हम तक पहुँच जाएंगे। बस कर मरियम। मूसा, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। तुम्हें जाना होगा मूसा। तुम्हारे साथ हम सब यहाँ खतरे में हैं। पूरा महल दीवानावार उस कातिल की तलाश में है जिसने उस मिस्री का कत्ल किया।
फिराउन तुम्हारा सर चाहता है। आज मुझसे गुनाह हो गया है, मैंने एक इंसान को मार डाला। मूसा, तुम्हें फौरन मिस्र छोड़कर चले जाना चाहिए, और तुम मेरे बेटे के जाने का इंतजाम करो। तुम्हें अब जाना चाहिए मेरे बेटे। मुझे अफसोस है कि मैंने आप सबको खतरे में डाल दिया। हाँ मूसा, तुमने हमें सख्त खतरनाक हालात में ला खड़ा किया है। मैं बेहद माफी चाहता हूँ। वो एक बूढ़े मजदूर की पिटाई कर रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम इससे क्या चाहती हो मरियम? इसकी सख्त मिजाजी ने ही इसे ऐसे हालात में ढकेला है। तो क्या? मेरे करीब आओ। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के अल्लाह का साया तुम पर कायम रहे। चलो हटो, पहले हमें पानी भरने दो। आओ सफूरा, हम इनको बाद में पानी देंगे। क्यों तुम हमेशा अपनी टांग अड़ाते रहते हो? चले जाओ यहाँ से। सफूरा, तुम मुझसे हाँ कब कहोगी? हाँ कभी नहीं कहूंगी। तुम कभी मुझसे ये नहीं सुन सकते ईश। सफूरा, इस दुनिया में मैं ही वो वाहिद शख्स हूँ जो तुम्हें पाल सकता है। तुम इसे पालना कहते हो? यहाँ से चले जाओ। छोड़ दो उसे, उसका रास्ता छोड़ दो। मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं सिर्फ खेल रहा था। वो जानती है कि मैं सिर्फ उसके साथ खेल रहा था। दफा हो जाओ। उसे देखा तुमने, वो किस तरह इसकी तरफ घूर रहा था? वो मजबूत व तवाना जिस्म का मालिक था, ताकतवर। सफूरा, तुम तो पिघल कर ही रह गई। उसने कोई मेहरबानी नहीं की, वो तुम्हारी तरफ से नजर हटा ही नहीं सका। क्या बात है, आज तो इतनी देर से क्यों आई है? रेगिस्तान से एक निहायत हैरत अंगेज मिस्र निकल आया। उसने सिर्फ एक लफ्ज कहा, उसने हुक्म दिया कि हमें अकेला छोड़ दे, इसके सिवा और कुछ नहीं। वो भी मजबूत व तवाना था जो रेगिस्तान से उभर कर आया, हमें मालूम नहीं कहाँ से। उन्होंने सोचा कि वो कोई भूत या और कुछ है। कहाँ है वो मिस्री शख्स? मजबूत और तवाना, मेरी प्यारी बेटियों को बचाने वाला, क्यों ना वो सात दस्तरखान पर हमारे मुल्क की बेहतरीन चीजें खाए। मैं इस गैर मुल्की का मखरूज हूँ। मैं जा रही हूँ। जाओ तुम सब लोग, उसे दावत दो ताकि हम आज रात जश्न मना सके। बंदों का आओ देख तारीख सफर, अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त।
अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर, आओ देख तारीख सफर, अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, गुजरे हुए वक्तों पर डालो एक हकीकी नजर, उनकी ये कहानियां डालेंगी हर एक पे असर। चलते शको शुबा शिकायत ना करते, अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। मालिक था ताकतवर, सफुरा तुम तो पिघल कर ही रह गई। उसने कोई मेहरबानी नहीं की, वो तुम्हारी तरफ से नजर हटा ही नहीं सका। क्या बात है, आज तो इतनी देर से क्यों आई है? रेगिस्तान से एक निहायत हैरत अंगेज मिस्र निकल आया। उसने सिर्फ एक लफ्ज कहा, उसने हुक्म दिया कि हमें अकेला छोड़ दे, इसके सिवा और कुछ नहीं। वो भी मजबूत व तवाना था जो रेगिस्तान से उभर कर आया, हमें मालूम नहीं कहाँ से। उन्होंने सोचा कि वो कोई भूत या और कुछ है। कहाँ है वो मिस्री शख्स? मजबूत तो तवाना मेरी प्यारी बेटियों को बचाने वाला, क्यों ना वो सात दस्तरखान पर हमारे मुल्क की बेहतरीन चीजें खाए। मैं इस गैर मुल्की का मखरूज हूँ, मैं जा रही हूँ। जाओ तुम सब लोग, उसे दावत दो ताकि हम आज रात जश्न मना सकें। मैं तो बस जश्न मनाने का बहाना ही ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हारी माँ सफोरा से शादी कर ली और हम लोग मिदियान में 40 साल तक रहे। और मिस्र में आपके खानदान वालों का क्या हुआ? उनकी और मुल्क मिस्र की भी मुझे कोई खबर नहीं मिली और खुद मैंने भी मालूम करने की कोशिश नहीं की। वो क्या अब्बा जान? मैं बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे दादा जान जेथुरु के साथ, फिर तुम पैदा हुए मेरे बेटे। चाचा जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। चाचा जान, मैं अपने बेटे की खतना चाहता हूँ। मैं इसका नाम गर्शोम रखूंगा क्योंकि मैं यहाँ एक अजनबी हूँ और आपने मेरा इस्तकबाल किया है। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन अपने बच्चे की खतना न करवाइए, जैसा कि आपका इरादा है। चाचा जान, अल्लाह ताला से ये हमारा मुआहदा है। मूसा, तुमने कहा था कि दोबारा मिस्र कभी नहीं जाओगे, अब हम लोग आप ही के हैं तो अल्लाह से आपका क्या मुआहदा है? ये मुआहदा हमारे जद्दे अमजद इब्राहिम का है कि हर लड़के की खतना की जानी चाहिए, मेरे बेटे की भी।
सफोरा बच्चे की खतना नहीं करवाना चाहती और वो तुमसे बहुत प्यार करती है मूसा। मैं उससे अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हमें बच्चे की खतना करवानी चाहिए। क्या तुम्हारा अल्लाह ये नहीं समझता कि इस तरह खानदान बढ़ जाएगा? मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में जरूर पूछूंगा। और क्यों नहीं उससे पूछ लो, पूछो उससे। ऐ मेरे वालिद इब्राहिम के अल्लाह, ऐ मेरे वालिद इसहाक के अल्लाह, ऐ मेरे वालिद याकूब के अल्लाह, मुझे इस जिंदगी से प्यार है और मैं इसी तरह जीना चाहूंगा। मैं बहुत मोहब्बत करता हूं अपनी बीवी सफोरा से और बेटे गर्शोम से। मुझे राह दिखा या अल्लाह, और हमेशा वो रास्ते दिखा जिन पर मैं चल सकूं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सरताज। वालेकुम अस्सलाम सफोरा। मैं आपके लिए खाने और मशरूबात लाई हूं बराए करम। शुक्रिया। अल्लाह का एहसान है। मैं फिर से हामिला हो गई हूं मूसा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रहीम व करीम है, उसने हमें सुकून की जिंदगी दी। पैदा होने वाला बच्चा औलादे नरी ना हो तो मैं आपको इजाजत देती हूँ कि उसकी खतना कर दे। क्या हुआ मेरी प्यारी सौजा? मुझे आपके अल्लाह से डर लगता है। मैं नहीं चाहती कि वो गुस्सा हो जाए या ये सोचे कि मैं उसका एहतराम नहीं करती, क्योंकि मैंने आपको अपने बेटे गर्शोम के खतना से मना कर दिया था। हम मिस्र का दौरा करके ये देखना चाहते हैं कि आप कहाँ रहते थे। मैं दोबारा मिस्र नहीं जाना चाहता। क्या आप अभी समझते कि गोशन वहाँ है? हाँ, गोशन वही है। मेरे लिए ये ऐसा ही है जैसे मैं दो लोगों के बीच अटक गया और एक ऐसे फसील पर बैठा हूं जो दो दुनियाओं को अलग करती है। मैं दो पहचानों से जद्दोजहद कर रहा था जो कभी एक साथ नहीं हो सकती। आपका मतलब दो भाइयों के दरमियान जो आपस में झगड़ते हों? हाँ बिल्कुल, ऐसे दो भाइयों की तरह, जबकि मुझे दोनों से मोहब्बत है, लेकिन वो दोनों कभी एक दूसरे से राजी नहीं होना चाहते। एक दिन उनमें से एक खड़ा हो गया जिसने दूसरे को कत्ल कर दिया, सो मैंने निजात की खातिर गुरेज किया। मुझे खुशी है कि आपने ऐसा गुरेज किया अब्बा जान, वरना हम पैदा ही ना हो पाते। वाकई ताज्जुब है कि बेहतरी भी किसी खौफजदा शुरुआत से निकल कर आ सकती है। तुम दोनों मेरी जिंदगी की दी हुई बख्शिश हो, और मैं एक चरवाहा था और मेरे पास एक चरवाहे का दिल है, इसमें कोई ताज्जुब नहीं। लेकिन अब्बा जान, आप तो एक शहजादे हो और आपके पास शहजादे का दिल है। ये सच है, मैं शहजादे की तरह पला बढ़ा, लेकिन मेरा दिल हमेशा चरवाहे का था। बराए करम, तुमने हमेशा मुझे मात दी है। मैं आपके लिए कुछ लाई हूं, ये लीजिए। तुम कहां जा रहे हो? कल सुबह मैं और मेरा बेटा रेगिस्तान के पिछले हिस्से में अपने मवेशियों का गोल ले जाएंगे। क्या आप लंबे फासले पर जाएंगे? मैं नहीं जानता सफोरा। मैं जानता हूं ये लंबा फासला होगा। अपना ख्याल रखना, बखैरियत वापस आ जाना। इंशाअल्लाह मैं आ जाऊंगा।
خدا کرے صبح بخیر ہو. اپنا خیال رکھیے چچا جان. اور آپ بھی. خدا حافظ پیاری زوجہ. بچوں اپنے والد کا خیال رکھنا. بالکل فکر نہ کریں امی, ہم پورا خیال رکھیں گے. ریوڑ سے ایک بکری غائب ہو گئی ہے, تم یہی میرا انتظار کرو, میں اس کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں. میں بھی ساتھ چلوں گا ابا جان. نہیں رہنے دو, تم اپنے بھائی کے ساتھ رہو. ابا جان دیر نہ کریے گا, میرے آنے تک آرام کرو. میں تمہارے والد کا اللہ ہوں اور ابراہیم کا اللہ. موسیٰ میں نے مصر میں رہنے والوں کی رسوائی اور ذلت دیکھی ہے, اس لیے آپ کو مصر سے نکال کر ایسی جگہ عطا کروں گا جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں. میں تمہیں فرعون کے پاس بھیجوں گا تاکہ تم آل اسرائیل کو مصر سے نکال لے جاؤ. لیکن فرعون کے پاس جانے والا میں کون ہوتا ہوں؟ میں تمہارے ساتھ رہوں گا. تم مصر سے لوگوں کو باہر نکال لاؤ گے اور ان پہاڑوں پر اپنے اللہ کی عبادت کرو گے. کن سے یہ کہوں گا کہ بھیجا گیا ہوں؟ گوشن کے عمر رسیدہ لوگوں کو جمع کرو اور ان سے کہو میں نے تمہیں بھیجا ہے, جو تمہارا بھی اللہ ہے اور تمہارے جد امجد ابراہیم کا بھی. لیکن اگر انہوں نے میرا یقین نہ کیا تو؟ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ عصا. اسے زمین پر پھینک دو. اسے تم کی طرف سے پکڑو. اب آپ ہاتھ اپنے چوکے میں ملا لو. باہر نکالا دوبارہ چوبے میں نہ ڈالو. باہر نکالا کون ہے انسان کے منہ کا خالق؟
किसने बनाया गूंगा पहरा बीना या नाबीना, क्या वो खालिक अल्लाह नहीं है? अब तुम जाओ, मैं तुम्हारे मुंह को बोलना सिखाऊंगा और तुम्हें ये सिखाऊंगा कि क्या कहना है। आप मेरे अल्लाह हैं, मैं बोलचाल में अच्छा नहीं हूँ, मैं हक लाता हूँ। क्या हाल तुम्हारा भाई नहीं, वो तुमसे मिलने आ रहा है। मैं अपने अल्फाज उसके मुंह में डालूंगा और फिर मैं तुम्हारे और हारून के साथ हारून लोगों के लिए तुम्हारे अल्फाज का तर्जुमान होगा और फिराउन के सामने अपने मौजज़ा दिखाना। लेकिन मैं फिराउन के दिल को सख्त कर दूंगा और तुम बोलोगे, इसराइल मेरा बेटा है बल्कि मेरा पहला बेटा। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसराइल को जाने दो, और अगर तुमने उसे नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हारी पहली औलाद को नेस्तो नाबूद कर दूँ। अली आज़र, गर्शों, बकरियों को इकट्ठा करो, हम घर वापस जाएंगे। लेकिन क्यों अब्बाजान? आपने कहा था कि ये एक लंबा सफर होगा। हाँ कहा था, लेकिन अब अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर है। अब्बाजान मुझे बताइए, आप ठीक तो है ना? हाँ मेरे बेटे, चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम, बैठ जाओ मूसा, कुछ खा लो, बैठो कुछ खा लो, बैठ जाओ। मैं हमेशा इससे लुत्फंदोज होता हूँ। अचानक रेगिस्तान से लौट क्यों आए? इसलिए कि मुझे मिस्र जाना होगा, ये देखने के लिए कि मेरा खानदान और मेरे लोग अब तक जिंदा है या नहीं। तुम ठीक तो हो? बिल्कुल ठीक, लेकिन मुझे मिस्र लौटना ही होगा। मैं जानता था कि जल्दी या देर से तुम वहां जरूर लौटोगे। 40 बरस बीत चुके हैं। यकीन कीजिए चाचा जान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लौटना होगा, लेकिन फिक्र न करें, मैं वहां रुकूंगा नहीं, जल्द ही लौट आऊंगा। और बच्चों का क्या होगा? और सफोरा? उन्हें भी साथ में ले जाऊंगा ताकि वो मेरे खानदान को जान सके। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, जो कभी खत्म ना होंगी। तुम्हारा सफर सकून और आराम से गुजरे। मैं खच्चर का बंदोबस्त करता हूं। आप मेरे लिए अल्लाह का तोहफा है, मैंने आपके साथ 40 साल गुजारे हैं। कमाल है, पलक झपकते ही वो वक्त गुजर गया। तुमसे शादी का रिश्ता जोड़कर कोई भी शख्स फख्र महसूस करेगा। काश मिदियान का हर बाशिंदा तुम्हारी तरह होता। खाइए। अब्बा जान, आपने पूरी दास्तान दादा जान को क्यों नहीं सुनाई? मैं इसमें क्या कह सकता था, ये कह देता कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं फिरौन के सामने मौजजात दिखाऊं, और अगर उसने मेरे लोगों को जाने से रोका तो अल्लाह पाक फिरौन का दिल सख्त कर देगा और उसकी पहली औलाद को नेस्तो नाबूद भी कर देगा। तुम्हारे दादा जान जेथ्रू एक अच्छे इंसान है बेटे। अब्बा जान, क्या आप खौफ ज़दा थे? यकीनन सहमा हुआ था, वो कोई पागल ही होता जो डर ना जाता। ये जगह काफी अच्छी है, आज की शब हम यहीं कायम करेंगे। जाओ बच्चों,
लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मूसा, इसका बदन तो बुरी तरह तप रहा है, लगता है अचानक बुखार का शिकार हो गया है ये। इसकी खतना करवानी चाहिए। ये किस किस्म की दवा है? हम लोग कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। हमें लाजमी तौर पर इसकी खतना करवानी चाहिए। क्यों? सफूरा, हम लोग मिस्र जा रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें भेजा है। मैंने आपसे खतना करवाने की वजह पूछी है मेरे सरताज, तो आपने ये मिस्र का तस्करा क्यों शुरू कर दिया? और आपने मिदियन छोड़ने से पहले उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं नहीं चाहता था कि जित्रो इस बारे में फिक्रमंद हो जाए, और मुझे यकीन है कि वहां से रुखसत होने पर बताता तो तुम मेरे साथ ना आना चाहती। लेकिन आप तो जानते हैं, आप जहां कहीं भी कहेंगे मैं आपके साथ चलूंगी। मैंने एक जलती हुई झाड़ी देखी है, अल्लाह ने उस दहकती झाड़ी के जरिए मुझसे गुफ्तगू की। सफूर, अल्लाह ने आपसे बात की? हाँ, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के अल्लाह ने मुझसे गुफ्तगू की। उसी ने मुझे मिस्र भेजा है फिरौन से बात करने के लिए। क्या अल्लाह आपको फिरौन बनाना चाहता है? नहीं मेरे बेटे, अल्लाह अपने लोगों को निजात दिलाना चाहता है। सफोरा। क्या हुआ सफोरा? मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। लगता है आप पर भी बुखार का असर हो रहा है। चलिए। मुझे ठंड लग रही है सफोरा, कुछ ओढ़ा दो। आपको बुखार हो गया है मेरे सरताज। अब हमें गर्शोम की खतना करवानी ही होगी सफोरा। वो हमारी पहली औलाद है और वो अब तक हम लोगों के मुआहदे में दाखिल नहीं हुआ है। आपके कहने का मतलब क्या है? अल्लाह मिस्र के हर पहले बच्चे को हमें गर्शोम का खतना करवाना ही है। मुझे अल्लाह ताला का हुक्म मानना ही होगा। मैं मर जाऊंगा सफोरा। मैं बीमार हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ। आप ऐसा न कहिए मेरे सरताज, बस आराम कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे सरताज। अम्मी, क्या कोई फिक्र की बात है? अब्बा जान बीमार क्यों पड़ गए? तुम्हारे वालिद एक बटे हुए इंसान है अली अजहर, मैं तो बस इतना ही समझती हूँ। तुम्हारे अब्बा का आधा दिल मिस्र में है और उनका आधा दिल गोशिन में था, और अब अल्लाह ताला चाहता है कि उनका पूरा दिल गोशिन में हो जाए क्योंकि वो इब्रानी हैं। और आप क्या करेंगे? चकमक का पत्थर ला दो। चकमक का पत्थर? इसलिए? मैं जो कह रही हूँ वही करो। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर, आओ देख तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त।
अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर, आओ देख तारीख सफर, अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, शको शुबा शिकायत ना करते, अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। दर्शुम, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ, बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब बुखार बिल्कुल रुखसत हो गया है। अली अजहर, अब उठो और खच्चरों पर जीने कस दो। और अब्बा जान को यहीं छोड़ जाए? फिक्र न करो अलीज़र। अम्मी, हाँ? मुझे क्या हुआ है? अल्लाह पाक ने तुम्हें सेहत अता की है, फिक्र न करो, हम तुम्हें गधे की सवारी करने में मदद करेंगे। उठो अलीज़र, जल्दी करो। ओ मेरे सरताज, मेरे प्यारे, मेरे बेहतरीन दोस्त, मैं अपने दोनों बेटों के साथ मिदियन लौट जाऊंगी। आप हमारी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा। आप एक अजीम काम के लिए मुकर्रर किए गए हैं, जाइए और अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाइए। मैं हमेशा से महसूस करती थी कि अल्लाह ने आपको एक अजीम मकसद के लिए मुंतखब किया है।
चलो चलो बेटी। सफोरा मेरी प्यारी जौजा, कितनी हौसला मंद हो तुम। या अल्लाह, मुझे ऐसी खातून अता करने पर मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। कौन है? कौन है? मूसा, हारून, हारून मेरे भाई। हारून, हारून ये तुम ही हो सकते हो। मैं ही हूं हारून। अल्लाह ने मुझसे कहा कि तुम उसके मुकद्दस पहाड़ों तक आओगे। अल्लाह ने मुझसे कहा कि तुम भी वहां होगे। अल्लाह, अल्लाह हमारे वालिद इब्राहिम, इजाक और याकूब का खुदा। मेरे अल्लाह, मेरा भाई। हाँ हारून। हाँ मेरे भाई, मैं अपने मुल्क वापस लौट जाऊं। हारून मेरे साथ चलो। आओ हारून, आओ बैठ जाओ। आओ हारून, बराए करम बैठ जाओ। बैठो मेरे भाई। हारून, हारून जब मैंने रेगिस्तान से आते हारून का चेहरा देखा, मैं नहीं जानता था कि कभी मैं मिडियन लौट सकूंगा या नहीं। अब्बा जान, अपने लोगों को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, ना ही अपनी पुरसुकून रिहाइश को छोड़कर एक अजनबी दुनिया में जाना। अब्बा जान, आप बहुत हिम्मत वाले हैं। मेरे बेटो, इंसान को हौसलामंद या निडर होने की जरूरत नहीं, ये यकीन करने के लिए कि अल्लाह क्या कहता है, उसे सिर्फ एक ऐसे दिल की जरूरत होती है जो सुनने के लिए राजी हो। इस पर यकीन ना करना मुश्किल है कि थर्मोतस मर गया और फिरौन फौत हो गया। महल के वो तमाम लोग जो तुम्हारी मौत चाहते थे अब जा चुके हैं, और अब ये नया फिरौन, ये तुम्हारे जाने के बाद पैदा हुआ था, रामसीस दोम का छोटा बेटा। तो उसने मेरे बारे में कभी सुना ही नहीं था। हो सकता है उसने किबरानी के बारे में सुना हो, जिसे दरिया से निकाला गया था, मगर अब आप एक दास्तान बन चुके हैं। कभी धमकी रही होगी, लेकिन अब उसे भुलाया जा चुका है, और वो सब लोग
जो आपको कत्ल करना चाहते थे अब तक तो कब्र में पहुंच गए हैं। और थर्मोतस? थर्मोतस ने हमारा बचाव किया जिससे उसकी इज्जत काफी दागदार हुई। आपसे जुदा होने के लिए उस पर कोड़े बरसाए गए। वो और कुछ नहीं चाहती थी, वो आपकी खबर सुनना चाहती थी, बस एक छोटी सी खबर। ये बात मेरे दिल के तारों को छू जाती है हारून। मैं उसका मखलूस हूं कि उसने मेरी जिंदगी बचाई। मुझे उसकी मौत का अफसोस है। आपके जाने के बाद मेरे वालिद और वालिदा की मौत वाकई हो गई। आपसे जुदाई उनके लिए सख्त तकलीफ दे थी। मरियम काफी पुरजोश है। क्या आपने उसे बताया? हाँ, मुझे बताना ही पड़ा, क्योंकि अगर अल्लाह ताला किसी से गुफ्तगू करें तो वो बहुत ही अच्छा होता है। जो तुम जानते हो उसे हमेशा बताया ना करो हारून। ये किसी और से भी कहा है क्या? मरियम से जिक्र किया है और किसी से नहीं। आओ मैं तुम्हें वो मुकद्दस मकाक दिखाता हूं। हाँ चलो। अपने जूते निकाल दो हारून, यह एक मुतबर्रिक सरजमीन है। और क्या यही वो जगह है? यही वो झाड़ी है ना? इसकी एक शाख भी नहीं जली थी। यहां पर अल्लाह ने तुम्हारे असा को सांप में तब्दील कर दिया था ना? मेरे हाथ पर उजाले का जहूर हुआ था। मैं समझता हूं कि लोगों को कायल करने के लिए यह सब काफी होगा। मूसा, लोग मिस्र छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम कुछ नहीं कर सकते हारून। अल्लाह हर शय पर कादिर हाकिम है। गोशीन को जाने वाला रास्ता काफी लंबा है। आओ चले। आओ मूसा आओ। आओ मूसा और मुझे वो सब कुछ बताओ जो अल्लाह ने तुमसे कहा है। आओ। वो दिन काफी वलवला खेज रहा होगा अब्बा जान। वाकई काफी वलवला खेज था, बिल्कुल ऐसे कि जैसे सब कुछ कल हुआ हो। मैं जानता हूं कि इस जगह से रुखसत होना बड़ा ही मुश्किल था जहां से अल्लाह ने आपसे गुफ्तगू की थी। बिल्कुल, बहरहाल अल्लाह ताला की मर्जी सबसे आला व अरफा है। कहां थे तुम हारून? मैं उस झाड़ी की तरफ एक बार लौट गया था। मैं पुरजोश भी हूं और खौफजदा भी। मैं भी हूं हारून। मूसा आओ और अपने लोगों की रहनुमाई करो। हारून मैं खुदा नहीं जिसके आगे तुम झुको। अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाह जो मौजूद है, जिसकी आवाज को मैंने सुना है। मखलूक उसकी इताअत गुजार है। तो चलो फिर कुशीन चले। आओ गोशीन चले। आओ आओ चलो। आओ। चलो मूसा चलो।
मैं सफोरा का साथ चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी सफोरा से मिलो और साथ ही मेरे दोनों प्यारे बेटों से भी। अच्छा ये बताओ, सफोरा ने क्यों अपने पहले मौलूद बेटे की खतना करवाई थी? मैं अल्लाह के लिए कतई बेमसरफ था, मुझे उसके साथ अहद व मुआहदा करना चाहिए था अपने जद्द अमजद इब्राहिम की तरह। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। वाकई हारून, ये बहुत मुश्किल है। अल्लाह ने मिस्र जाने की राह को मुमकिन बनाया तुम्हारे चचा हारून और मेरे लिए। क्या वो सफर काफी दुश्वार था? तुमसे और तुम्हारी वालिदा सफोरा से जुदा होना इससे ज्यादा मुश्किल था, और वो पुरसुकून घर जो मीडियन में वाकई था उसे छोड़ना। और आप गोशेन की तरफ गामजन हुए? हाँ, जहां गोशेन एक बार फिर से मेरा मुंतजर था, एक दहशतनाक गुलामी का शहर, अपनी बूबास और मेरी यादों के साथ। गोशेन के साथ रकबे में दुगना इजाफा हो गया है। मिस्री लोग हमारी अकलियत की वजह से हमें डराते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम लोग टूटे हुए पंखों वाले हैं। मूसा, भाई मूसा यहां रुकिए, मुझे मरियम को जरा तैयार करना है। बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें और फख्र नाज अल्लाह के लिए। मूसा, मरियम, मेरी तवानाई लौट आई है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर जाओ, अंदर आ जाओ मरियम, अंदर चलो। ये सच है, सब कुछ सच है। बगैर किसी फौज के, सब कुछ अकेले। हारून, इनकी वजह से मेरे वालिद भी चिकनी मट्टी के गढ़े में इंतकाल कर गए थे। उस मिस्री के कत्ल के बाद काम का बोझ बढ़ा दिया गया था। मैं ये कहता हूँ कि ये मूसा बहुत सारे मसाइल पैदा करेगा। हाँ, यही तो सब लोग कह रहे हैं। बल्कि वो अल्लाह की ताकत अपने साथ लाएगा। ऐसी ताकत के सामने फौज क्या ठहर सकेगी? मैं यहाँ सबकी तरफ से बोल रहा हूँ, कुछ निशानी दिखाओ। यकीनन अल्लाह एक ऐसे शख्स को भेजेगा जिसमें गोश्त और खून के अलावा भी बहुत कुछ है। कल गोशेन के हर घर के कायदीन को जमा कर लो। ये कुछ बोलते क्यों नहीं? उज़ियल, कल इसका इंकिशाफ खुद अल्लाह ताला करेगा। हम सब वहां होंगे मूसा, ये हमारा वादा है। चलो चलो। कल से शुरुआत होगी। अब हम वापस नहीं जा सकते, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या उज्जवल की बातों से तुम तशवीश मुब्तिला हो? नहीं हारून, मुझे अल्लाह ताला से बात करनी होगी कि किसी को खलल अंदाजी ना करने दे। मुझे अपने साथ रहने दो। अभी नहीं। मूसा, मुझे तो डर लग रहा है। डरो मत। तुमने तो कर दिखाया मूसा, लेकिन मेरा क्या होगा? हारून, अल्लाह मेरे साथ है। चलो चलो।
اسرائیل کے بیٹوں، اے اسرائیل کے بیٹوں، مجھے سنو۔ میں اپنے بھائی موسیٰ کی جانب سے کچھ کہنے آیا ہوں، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ہماری زبان روانی سے نہیں بول سکتا، کیونکہ وہ فرعون کے محل میں پلا بڑا ہے، فرعون کے بیٹی کے ہاتھوں۔ ان کی پرورش مصر کا فرعون بننے کے مقصد کے لیے ہی کی گئی تھی، لیکن میرا یہ عزیز بھائی موسیٰ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے اللہ کے ساتھ تھا، اسی لیے انہوں نے ایک مصری کو اپنے ساتھیوں کی درد مندی میں قتل کر دیا تھا۔ نتیجتاً مصری عوام ان کو قتل کرنے کی طاق میں تھے، تو وہ میڈین کی طرف کوچ کر گئے، جہاں وہ 40 سال تک رہے اور وہاں اپنی بیوی، خاندان اور بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ خوش تھے، اور انہوں نے سوچا کہ اپنی بقایا زندگی وہیں گزار دیں گے۔ لیکن اللہ نے خود کو ایک جلتی ہوئی جھاڑی کے ذریعے منکشف کیا اور موسیٰ کو حکم دیا کہ مصر کی طرف لوٹ جائیں اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کر کے انہیں مصر سے باہر نکال لائیں۔ تو ان کی فوج کہاں ہے؟ موسیٰ بغیر کسی فوج کے ہماری قیادت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ہمیں مصری رتھوں سے کون بچائے گا؟ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم لوگوں کو فوج کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری چیخیں اتنی پرزور تھی کہ مردہ بھی اٹھ کھڑا ہو۔ ہمیں کچھ ایسا کر کے دکھاؤ جو ہمیں نظر آئے اور ثبوت فراہم کرے۔ سچ ہے، یہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا اللہ ہے۔ تمام تعریف اللہ، تمام توصیف اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اللہ کے بندوں کا آؤ دیکھ تاریخ سفر، آؤ دیکھ تاریخ سفر۔ اللہ بندوں کا وہ عظیم گزشتہ وقت، وہ عظیم گزشتہ اللہ۔
کے بندوں کا آؤ دیکھ تاریخ سفر آؤ دیکھ تاریخ سفر اللہ کے بندوں کا وہ عظیم گزشتہ وقت چلتے شک و شبہ شکایت نہ کرتے اللہ کے بندوں کا آؤ دیکھ تاریخ سفر اللہ کے لیے دفاع کی کوئی ضرورت نہیں انتہائی شدید و عظیم طاقت کے ساتھ اس کا ظہور ہوتا ہے اللہ نے ان غلاموں کو باغی کر دیا تھا اگر ایسا ہوتا تو خون کی ندیاں بہ گئی ہوتی اللہ پاک کی مدد سے آپ پورے مصر پر قابض ہو سکتے تھے لیکن وہ ہمارا مقصد نہیں تھا ہمیں مصر کی زمین چھوڑ دینی تھی اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا آپ کو فرعون سے مقابلہ کرنا تھا اللہ کے حکم کے مطابق میں ہارون کے وہاں چلا گیا اور آپ محل میں داخل ہو گئے ہاں فرعون اعظم موسیٰ آپ کے سامنے حاضر ہونا چاہتے ہیں وہ اچھا وہی جس نے خود کو ہمارے غلاموں کا سردار بنا رکھا ہے مجھے اب بھی شک ہے کہ ایسا کرنا خطرے سے خالی نہیں جا پنا نہیں میں موسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں لے کے آؤ اسے جو حکم میرے آقا ہے آئیے موسیٰ موسیٰ ہم نے تمہارے بارے میں سن رکھا ہے تم محل میں پلے بڑے ہو کیا یہ سچ نہیں مصر کے شہزادے خدا خالق و مالک نے فرمایا میرے بندوں کو میری عبادت کے لیے جنگل بیابان میں جانے دو کون ہے وہ اللہ جس کی فرما برداری میں اسرائیل کو رہا کر دوں میں اس اللہ کو نہیں جانتا اور میں ان غلاموں کو کبھی رہا نہیں کروں گا جہاں پناہ آپ اپنا وقت برباد نہ کریں نہیں اس پر مجھے ہنسی آ رہی ہے ان کا اللہ مصر کے خداؤں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے بہت سارے خداؤں کے سامنے صرف ایک اللہ یہ مقابلہ تو نہیں ہوگا جمرس یہ عبرانی غلام اب سر اٹھانے لگے ہیں ان کے سروں کو کسی وجہ سے جھکانا چاہیے نہ کہ زبردستی سے جہاں پناہ بہتر ہوگا کہ یہ جان لیں کہ چھڑی آپ کے ہاتھ میں ہے عبرانیوں کا اللہ ہم سے ملا براہ کرم ہمیں 3 دن ریگستان کے سفر پر جانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم اپنے اللہ کو قربانیاں پیش کر سکیں ورنہ وہ ہمیں حیضے کی بیماری میں مبتلا کر دے گا جہاں پناہ یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں
इनके पास तलवारें नहीं। ये इब्रानी खुदा किसकी तलवार मांग कर लाएगा? क्या हमारे खुदा की तलवार? ये तो बेवकूफी है। हमारी जमीन पर अपने लोगों की तादाद बढ़ जाने के बाद क्या उन्हें सख्त मेहनत व मजदूरी से राहत दिलाना चाहते हो? अगर वो अपने अल्लाह को कुर्बानियां पेश करना चाहते हैं तो बेहतर है कि मिस्र छोड़कर यहाँ से चले जाएं। सच्चाई तो ये कि बकरियों के खुदा आबिस को गुस्सा आ जाएगा। और इससे मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैंने इस बारे में अपना फैसला ले लिया है और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। और इसी तरह राग का बेटा भी करता है, वो भी अपने अहकाम जारी करता है। दफा हो जाओ, जाओ यहाँ से। क्या हुआ? मैंने कभी भी इतना जबर और ऐसा सब्र नहीं देखा। फिरौन के सामने मूसा जिस तरह खड़े थे वो देखने के काबिल था। उन्होंने अपनी पलक तक नहीं झपकाई। नहीं, फिरौन की पलक झपकी। बेशक अगर अल्लाह हमारे साथ है तो फिरौन इस मामले में मुंह की खाएगा। फौरन तो नहीं, क्योंकि अभी ये मुकाबले का आगाज है। एक सच्चा अल्लाह मिस्र के कई अल्लाहों के मुकाबले ये एक अल्लाह का कई अल्लाहों से सामना है। आज मैंने फिरौन की आंखों में ताकत की झलक देखी। फिर तो फिरौन तुम पर हंसा होगा। वो काफी घबराया हुआ था। मैं काफी थक गया हूं, कुछ आराम करना चाहता हूं। मैं तो घबरा रहा था, लेकिन मूसा फिरौन के सामने मजबूत चट्टान की तरह खड़े थे। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? ये तो बस अल्लाह ही जानता है। हमें उस पर भरोसा और इंतजार करना चाहिए। भरोसा मूसा पर भी? हाँ, मैंने इस मामले को गहराई से सोचा है। ईंटें बनाने के लिए उन्हें भूसा देना बंद कर दो और उन्हें भूसा खुद इकट्ठा करने दो। और मैं चाहता हूँ कि वो पहले जितनी तादाद में ही ईंटें बनाए। ईंटों की तादाद कम मत करना, क्योंकि वो लोग बहुत सुस्त और काहिल हैं और 3 दिन का आराम चाहते हैं। जहां पनाह फिरौन, पहले उन्होंने अपने खुदा के बारे में कभी नहीं बताया था, जब तक कि मूसा नहीं आया। वो लोगों को भड़काता है। उन्हें भड़काने का वक्त ही नहीं मिलेगा, वो भूसा ही इकट्ठा करते रहेंगे। हुक्म की तामील हो। ऐ मेरे अल्लाह, सारी तारीफें सिर्फ तेरे लिए हैं। देखो लोगों का इरादा कैसे कमजोर हो गया है, उनका मुझ पर से भरोसा उठ गया है, और फिरौन भी मेरी नहीं सुनेगा। मेरे पास मुनासिब अल्फाज नहीं है। मैं कौन होता हूं फिरौन के सामने खड़ा होने वाला? या आओ हारून, अल्लाह ने मुझसे बात की है। फिरौन के सामने जाओ और उससे कहो कि बनी इसरा को यह जमीन छोड़ने दे। बेहतर है। मूसा अल्लाह की आवाज सुनते हैं। मूसा कहते हैं कि हमें इंतजार और यकीन करना चाहिए कि हम जरूर आजाद होंगे। कौन जिंदा बचेगा इन सब पर यकीन करने के लिए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि हम सब इससे पहले ही मर जाएंगे। अभी तो ये शुरुआत है, क्या ऐसा नहीं? खुद को तैयार कर लो, फिरौन का दिल सख्त कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन फिरौन का दिल सख्त क्यों कर दिया जाएगा? ताकि सब ये जान जाएं कि अल्लाह ही सारी दुनिया का हकीकी खुदा है, दूसरा और कोई नहीं। कोई भी खुद को इसके लिए तैयार नहीं कर सकता।
इसीलिए हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, मैं जानता हूं मूसा तुम क्या कहोगे, मेरे लोगों को रिहा कर दो और वो अल्लाह जिसकी तुम इबादत करते हो वो मौजीजे दिखाता है ना, कोई मौजीजा दिखाओ, कुछ भी, किसी भी तरह का। पहले तुम मुझे क्या दिखा सकते हो फिरौन? क्या तुम सुबह में सूरज को तुलू होता हुआ नहीं देखते? क्या तुम दरियाए नील के मद जजर को नहीं देखते और जानवरों की वक्त पर पैदाइश और फसलों का मौसम के लिहाज से कटना? हुक्म हमारे खुदा मिस्र तक अहकाम लाते हैं और मैं फर्जंदे राय इन अहकाम की तामील करता हूँ, और मूसा तुम महज एक खलल डालने वाला शख्स जो सिर्फ मुसीबतें पैदा करता है। दिखाओ मुझे कुछ, तुम मेरे सामने खाली हाथ आकर कोई मुतालबा नहीं कर सकते। हारून, हाँ, अपना आसा उठाओ और फिरौन के आगे फेंक दो हारून। जहां पना इस तरह की सस्ती और बाजारी शोबदेबाजी कोई भी शोबदेबाज कर सकता है। नुमाइशी फन है और तुम जैसे शोबदेबाज इससे मुझे मुतासिर करते रहते हैं। चलो अब यहां से चले। क्या फिराउन ने आपको कोई जवाब दिया? बल्कि उसके दिल की सख्ती और बढ़ गई। आपका क्या मशवरा है मूसा? मशवरा तो अल्लाह का होगा जो हमारे बाप दादा का अल्लाह है। अब मैं अपने कमरे में जाता हूँ ताकि अल्लाह की राह में अपना सफर जारी रख सकूँ। पहले बैठ जाइए और हमारे साथ खाना खाइए, मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ। मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाइए। बैठिए, हमारे साथ खाना खाइए। ये मछली आपके लिए है। बहुत अच्छा मरियम। हारून, हाँ, हम सुबह दरियाए नील के साहिल पर फिरौन से मिलेंगे। अब बेहतर है। देखो वो आ रहा है। मूसा, ये वही दरियाए जिंदगी है जिसमें से मैंने सुना है कि तुम्हें बाहर निकाला गया था। मेरे बंदों को रिहा कर दो ताकि वो रेगिस्तान में मेरी इबादत कर सके। अल्लाह ने कहा है जो इसराइल के बेटों का खुदा है। अब मेरे नहाने का वक्त हो गया है। तुम्हें अब तक जो कुछ कहा गया है वो तुम नहीं समझोगे। महाफिजों को मेरे करीब रखो, जरूरत पड़ने पर इन दोनों से तहफ्फुज़ की हाजत होगी। अब तुम जानोगे फिरौन मैं किससे क्या कर सकता हूं। मैं एक माहिर उस्ताद हूं। मैं इस असा से जो मेरे हाथ में है पानी पर वार करूंगा।
और ये खून में तब्दील हो जाएगा। जहां पना फिरौन आजम, आप अपने जादूगरों के फन पर भरोसा करके मुतमईन रहिए। मूसा, इन शोबदों का हमारे खुदाओं पर मुतलक कोई असर नहीं होगा। देखो कि तुम्हारे ये करतब और कुछ नहीं, सिर्फ जादू हैं। मुझे यकीन है फिरौन बौखला गया होगा जब उसने नील के पानी को खून के रंग में तब्दील होता देखा होगा। हाँ, लेकिन इसके बावजूद उसका दिल नहीं पसीजा। हालांकि दरियाए नील की सब मछलियां मर गई थी, लेकिन इसके बावजूद उसका दिल नहीं पसीजा। न सिर्फ मरी बल्कि सड़गल के ढांचे में बदल गई। मूसा ने नील के पानी को खून में तब्दील किया। इसको 7 दिन बीत चुके हैं। सब मछलियां मर चुकी हैं जिनकी बदबू से लोग परेशान हैं। पानी की तलाश में मुल्क में हर जगह गड्ढे खोदे जा रहे हैं। मामला बेहद नाजुक हो गया है जहां पना। अगर तुम्हारे पास सचमुच ताकत है मूसा जैसी नहीं, तो हालात को बहाल कर दोगे, ना कि मूसा के शोबदेबाजी की नकल करोगे। हकीकी ताकत कर दिखाने में है, ना कि उसे मुस्तरद करने में। क्या अल्फाज के फरेब के लिए सारे मिस्र में अकेला मैं ही दानिश्वर और आकिल हूँ? ओ मूसा और हारून, मेरे दरवाजे पर, मैं हैरत ज़दा क्यों ना हूँ? फिरौन, मेरे लोगों को मेरी इबादत के लिए रिहा कर दो, यही अल्लाह का फरमान है। मूसा, अब मैं इन चालबाजों से थक सा गया हूँ, जाने दो, छोड़ो। अजीम दरिया नील खुद ब खुद अपनी हकीकी हालत में आ जाएगा। अगर तुमने रिहा करने से इनकार किया तो अल्लाह ताला की इजाजत से मैं तुम्हारी सरजमी पर मेंढकों का हमला करवा दूंगा और दरियाए नील की उठती हुई मौजों से मेंढक उड़ने लगेंगे। हुजूरे वाला, हजारों की तादाद में मेंढक बाहर आ गए हैं। देखिए जनाबे अली, ये कटोरा बिल्कुल खाली है। अब देखिए, मेंढकों से भर गया। इस तरह की मुकाबला आराई में क्या रखा है? जाओ मूसा, इसी वक्त यहां से चले जाओ। मैं थक गया हूं, और तुम लोग सिर्फ इसकी नकल करते हो। इसका कोई जवाब या तोड़ नहीं है तुम्हारे पास। इन मेंढकों से तुम हमें नहीं बचा सकते। हमारे पास फिलहाल कोई ऐसी सराहत नहीं जिसे हम पेश कर सकें। बहरहाल जल्दी ही कोई तशरीह पेश कर देंगे। हम जरूर कोई वजाहत पा लेंगे। चले जाओ यहां से। तखलिया। काफी दिनों से हमने गोश्त का जायका नहीं चखा है। लीजिए, कुछ गोश्त है आपके लिए। मेंढकों ने सिर्फ मिस्र पर हमला किया है और हम सबको ताजा गोश्त नसीब हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेंढकों की वजह से ही अहलकारों ने काफी लोगों को रिहा कर दिया है। कोई काम ही नहीं कर सकता। चिकनी मिट्टी के तमाम कारखाने मेंढकों से भर गए हैं। लेकिन गोशन में कोई मेंढक नहीं। हाँ, क्या ये एक मौजजा नहीं है? फिरौन ये समझ ही नहीं सकता कि क्यों मिस्र के खुदाओं ने हालात को बहाल करने से इनकार कर दिया।
और क्यों उसके जादूगर सिर्फ नकाली पर मजबूर हैं और एक हैजा जैसे कहरे इलाही को मिटा नहीं सकते। हमें मूसा को खुद उसके लिए बचाना होगा। मरियम, सच्चाई यह है कि मूसा मिद्यान जाकर सफोरा और अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है। अल्लाह ताला मूसा की हिफाजत करेगा, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। कुदरती बात है या अल्लाह। के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। गुजरे हुए वक्तों पर डालो एक हकीकी नजर, उनकी ये कहानियां डालेंगी हर एक पे असर। चलते शको शुबा शिकायत ना करते, अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। मूसा, मूसा, मूसा।
कौन है वहाँ? मैं मूसा के लिए अपने मालिक फिरौन की तरफ से एक पैगाम लाया हूँ। जरा रुको, मरियम मूसा को बुलाओ, वो आ रहे हैं। जहाँ बना फिरौन ने आपको अपने अल्लाह से दुआ करके इन मेंढकों से छुटकारा दिलाने के लिए कहा है। कह दो फिरौन से कि हमारे लोगों को जाने दो, यही हमारे अल्लाह का भी फरमान है। फिरौन से कहो कि अगर वो इन मेंढकों से छुटकारा चाहता है तो हमारे साथ गोशिन में आकर रहे। कहाँ गए सब मेंढक? कहाँ गए सब मेंढक? जहाँ पना अब मेंढक नहीं रहे। फिरौन से कहो मैं अंदर आना चाहता हूँ। जहाँ पना मूसा आना चाहता है। आने दो। क्या बात है, अकेले आए हो? तुम्हारा भाई कहाँ है? वो आपके जादूगरों से बात कर रहे हैं। तुमको उसके बगैर डर नहीं लगता? डर? बिल्कुल नहीं। मुझे तो सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए। तुम्हारी वजह से जमा मलबा नाकाबिले बर्दाश्त है। हर तरफ मेंढक के सड़े गले ढांचे जमा हो गए हैं और मिस्र का हर हिस्सा चप्पा चप्पा उन ढांचों से भर गया है। लोगों को रिहा कर दो फिरौन। मूसा, ये मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे अल्लाह के पैदा किए इस मलबे को उनसे साफ कराना है। अब यकीनन उसकी समझ में आ जाएगा। उन लोगों को रिहा कर दो ताकि वो अपने अल्लाह की इबादत कर सके फिरौन। नहीं नहीं मूसा, नहीं। क्या तुम जानते हो मूसा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हम दोनों दोस्त हो सकते थे, बराबरी के नहीं लेकिन हाँ, फुर्सत के औकात में। फिरौन, चूंकि अल्लाह के लिए तुम्हारा दिल सख्त हो चुका है, वो अपनी ताकत का मुजाहरा तुम्हारी जिद और हठधर्मी के जरिए करेगा। वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मुझे कोई छू भी नहीं सकता। और मेरे जादूगर कहते हैं कि जो कुछ भी तुमने किया उसे खुफिया फन से अक्स किया गया है। अल्लाह के रूबरू सरकश न बनो। मैं एक खुदा हूँ मूसा, मैं तुम्हें या तुम्हारे आदमियों को कभी भी रिहा नहीं करूँगा, समझे? अब तक ये बहुत ही तकलीफ दे रहा है फिरौन आजम। तुम ये कबूल कर लो कि मैं ज्यादा कवी और मजबूत हूँ। मेरे लोगों को आजाद कर दो फिरौन। जाओ मूसा, मुझे लगता है हम कभी दोस्त नहीं बन सकते। तुम मुझे कायल और आमादा नहीं कर रहे हो। नहीं, मैं कभी भी उन्हें आजाद नहीं करूंगा। दफा हो जाओ। बढ़ाओ अपने हाथ हसा के साथ और जमीन की मिट्टी पर जरब लगाओ और ये मिट्टी जुओं में ढल जाएगी। सारे मिस्र की जमीन इनसे भर जाएगी। ये मुझे जीते जी खा रही हैं। ये हरकत मूसा की है, मैं जानता हूं। उंगली क्या, उसके लिए मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। हम इस तरह कुछ भी नहीं कर सकते। ये नामुमकिन है। ये अल्लाह कर रहा है फिरौन। ये अल्लाह कर रहा है। क्या ये मुमकिन है कि इस बेवकूफी के आगे सारा मिस्र झुक जाए? तुम्हारा सर कलम कर देना मौजूदा सूरत हाल से बेहतर होगा। ये कैसे मुमकिन है कि मिस्र के तमाम खुदा उससे अल्लाह के आगे झुक जाए जो हद से ज्यादा शोबतेबाज और नहायत ही खलल अंगेज है। अपने सरों को ऊंचा करके लड़ो, हमारे खुदा से मगलूब करेंगे, मैं मगलूब करूंगा। अगर ये अल्लाह कर रहा है तो कौन इसे सह सकता है? आओ और लड़ो।
आजमाओ अपने इस खुफिया फन के हरबे, वापस आओ अहमको, वापस आओ। फिरौन के अलावा और कौन हो सकता है फर्जंदे आफ्ताब? क्या दरहम बरहम करने वाले खुदाओं से लड़ सकते हो? क्या उनसे अहकामात हासिल कर सकते हो? मूसा, तुम शैतानी हरबे इस्तेमाल करने वाली एक मुसीबत हो। और एक दूसरा अजाब नमूदार हुआ। क्या उसने गौर ऐसा नहीं किया? नहीं, उसने दोबारा गौर नहीं किया। क्या फिरौन ने आपको ललकारा? उसने इब्राहिम के अल्लाह को ललकारा है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? इब्राहिम, इसहाक और याकूब का अल्लाह मिस्र के खुदाओं को उनकी सरजमीन पर नेस्तो नाबूद करने आया था, और फिरौन ने मूसा के मुतालबात पर अपना दिल सख्त कर लिया और चौपाए मर गए और फुंसियों से सारे मिस्रियों के जिस्म भर गए, और फिर ओले गिरे जिन्होंने जौ को तबाह कर दिया और टिड्डियां गेहूं को खाने में जुट गईं, और मिस्र वीरान और सुनसान हो गया जबकि गोशन की जमीन बिल्कुल महफूज रही। अल्लाह को यह तमाम कहर नाजिल करने की क्या जरूरत थी? वो चाहता तो फिरौन के दिल को नर्म कर देता। कर सकता था, लेकिन यह इंसान की फितरत है कि वो बरसरे मुकाबला हो जाता है अल्लाह के हुजूर में भी। इंतजार करो, बेहतरीन लम्हा भी आने वाला है। अभी वक्त है। इसका अंजाम कब आएगा मूसा? जल्द, बहुत जल्द हारून। मैं भी थक गया हूं। मैं अपनी बीवी सफोरा और बच्चों के पास जाना चाहता हूं। तुम इसी मकसद के लिए पैदा हुए थे मूसा। ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान का दिल उसकी जिंदगी के मकसद से अलग हो जाए और अपनी बीवी और बच्चों के साथ सुकून से रहे? मेरे सवाल का जवाब दो हारून, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। और यही वजह है कि अल्लाह को आप पर एतबार है मूसा। मूसा, तुम्हें मिस्र की मुसीबत नहीं दिखती? ये क्या किया है तुमने? मैंने तुमसे सुलह की कोशिश की थी, तुमसे कहा था कि तुम अपने अल्लाह की इबादत कर सकते हो, और इसके बावजूद कहरे इलाही मिस्र को बर्बाद कर रहा है। फिरौन, तुम अपनी शरायत पर अल्लाह को तहक्कुम नहीं कर सकते। तुम्हें चाहिए कि हम लोगों को 3 दिनों के लिए रेगिस्तान जाने दो। और मैं क्या करूं? मैं सूरज का बेटा हूं, सूरज को उगाता और गर्क करता हूं। अब भी मिस्र में बहाली है, उसे तुम छू नहीं सकते। जाओ मूसा, मुझे छोड़ दो। सुनो फिरौन, तुमने खुदा को अल्लाह के लिए पुरखलूस होने से इनकार किया है। उन्हें रिहा करो ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सके। तुम्हें सिर्फ यही करना चाहिए। मैंने गोशीन के खुदावंद के आगे हर मुमकिन तौर पर इकबाल व इकरार किया है। तुमने पछतावे के फरेब कुन अल्फाज से मेरे कानों को रिझाया ताकि मैं अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए दुआ करूं, और हर बार तुम्हारे दिल ने सख्त गिरी इख्तियार की कि तुम हमारी रिहाई के मुहायदे से रदगर्दी कर सको। तुम मेरा और क्या बिगाड़ सकते हो मूसा? इतना कुछ कर लेने के बाद जाओ, हमें छोड़ दो। ये बताइए कि अब आप क्या करेंगे मूसा? परवरदिगार ने मुझसे कहा है, अपने हाथों को आसमान की तरफ ऊंचा करो और सारे मिस्र पर मुकम्मल अंधेरा छा जाए, चारों तरफ सिर्फ तारीकी हो। मूसा,
मूसा। जाओ मूसा और अपने अल्लाह की इबादत करो, लेकिन उन मवेशियों की रेवड़ को छोड़ जाओ और अपने बच्चों के हमराह यहां से चले जाओ। फिरौन, तुम्हें इस बात की इजाजत देनी होगी कि हम अपनी कुर्बानियां कर सकें ताकि उन्हें हम अपने खुदा को पेश कर सकें। हम अपने मवेशियों के रेवड़ का एक नाखून भी यहां नहीं छोड़ेंगे। रुखसत हो जाओ मूसा, और याद रखो दोबारा मेरे सामने कभी ना आना। जिस दिन तुम मेरी शक्ल देखोगे मर जाओगे। ये तुमने सही कहा, दोबारा मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। फिरौन आजम, जबरा ने आसमानों को रोशन किया तो तुम्हें एक लड़का दिया। तुमने मूसा के खुदा को हरा दिया है। ये रहा आपका बेटा, सूरज का बेटा, रा का तखलीक करता है। मिस्र बच गया और बुलंद हुआ। मेरे बच्चे, तूने देखा, देखा तूने हम कितने ताकतवर हैं। मित्र हमेशा कवि तरीन रहेगा पहले की तरह। ऐ रोशनी के देवता, हमारी सरजमी से अफरा तफरी के इस अंधेरे को खत्म कर दे। मिस्र की कुवत को बहाल कर, साथ अपने खिदमतगार फिरौन को भी। मूसा, 6 महीने क्या ये काफी होंगे? 6 महीने बस मूसा। कह दो हमसे कि चले जाएंगे। हम रुखसत हो जाएंगे। हाँ, ये 6 महीने काफी लंबे थे। हमने अपने खुदा के गलबे को देख लिया। वो तमाम खुदाओं का खुदा है जो एक ही तन्हा और हकीकी खुदा है। तो हम क्या करें मूसा? सामान बांधे और सफर करें? नहीं, आज की रात मौत का फरिश्ता पूरे मिस्र पर छा जाएगा और हर पहलौठी औलाद मर जाएगी, लेकिन गोशन को छोड़ दिया जाएगा ताकि हम सभी अल्लाह के अहकामात की तामील करें। आप हमको बताएं, हम दूसरों को बता देंगे। हर खानदान किसी एक बकरी या मेंढे को साथ ले जिसमें कोई नुक्स ना हो। 1 साल का बकरा या मेंढा जिसे हम आलस सुबह ज़िबा करेंगे। फिर उसके खून को एक खुशबूदार शाख में लेकर अपने घरों के खिड़की दरवाजों को रंग दो।
फिर उसी रात उसका गोश्त आग में सेंक कर खाओ, लेकिन वो गोश्त तुम्हें गैर खमीरी रोटियों और तल्ख जड़ी बूटियों के साथ खाना होगा। उसका सर, उसके पाए और उसकी अंतड़ियां भी सेंक कर खाओ, और कोई चीज कच्ची या उबली हुई ना खाना। उसे इस तरह खाओ, तेजी से कपड़े बदन पर, जूते पैरों में और डंडे तुम्हारे हाथों में हो। इसको तेजी से खाना लाजमी है ताकि वो अल्लाह की तरफ फौरन पेश हो जाए। आला, जल्दी खातून के पास चलिए। क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम। आओ मेरे साथ। क्या हुआ? हमारा पहला बच्चा मर गया, मर गया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मर गया। मूसा को मेरे पास लेकर आओ। जो हुक्म जहां बना। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर, अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर, आओ देख तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। गुजरे हुए वक्तों पर डालो एक हकीकी नजर, उनकी ये कहानियाँ डालेंगी हर एक पे असर। अल्लाह के बंदे,
पे चलते, शको शुबा शिकायत ना करते। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। मर्दों, अपनी औरतों और बच्चों को ले जाओ, अपनी रेवड़ों को भी ले जाओ, जाओ और अपने अल्लाह की इबादत करो। मूसा, मेरे लिए दुआ करो और अपने अल्लाह के हुजूर मुझे मुकद्दस कर दो। ले जाओ और दफा हो, और हाँ, फिर कभी वापस ना आना। मुझे दो, तुमने हमें जिंदगी की कड़वाहट चखाई है। हम मिस्र छोड़ देंगे यूसुफ की हड्डियों के साथ, यूसुफ की हड्डियों के साथ और उनके तमाम सोने और चांदी के साथ। अल्लाह ने इब्राहिम से इस रात के बारे में फरमाया था 400 साल से भी ज्यादा अरसा पहले। हारून, क्या तुम्हारा गुलाम वाकई आजाद हो सकता है? क्या वो हमेशा एक गुलाम की तरह ही सोचेगा और उस जैसी ज़हनियत पाएगा? क्या उन लोगों के लिए कभी आजाद होना मुमकिन है? एक सही रहनुमाई के जेरे साया मूसा, वो अपनी राह पा सकते हैं। हाँ, क्या वो सच में, क्या वो हकीकतन? हाँ, आओ चलो। जहां भी जाएंगे खतरनाक होंगे। और मैं भी अपना पहला बच्चा खो चुका हूं। मिस्र के तमाम खानदानों ने उस रात खून के आंसू बहाए हैं।
میں قوم کو اس سے علیحدہ رکھ سکتا تھا، میں موسیٰ کو انہیں لے جانے کی اجازت دے سکتا تھا، اور کچھ نہیں صرف تکلیف ہے، انہیں کسی اور کے لیے زحمت بننے دو۔ صبح میں کسی کو گوشین روانہ کرو، یہ دیکھنے کہ کون رخصت ہوا اور کون ٹھہر گیا۔ کیا ہم انہیں قتل کے حکم صادر کریں؟ نہیں نہیں، مجھے جاننا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، مجھے معلوم کرنا ہے کہ کس نے ان کا پہلا بچہ بچایا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیوں میرا ہی بچہ مارا گیا، ان سب کے پہلے بچے سبھی زندہ ہیں، اللہ نے ان سب کو کیسے بخش دیا؟ کیا فرعون کا دل سخت گیر ہو جائے گا؟ کیا ہوگا اگر مصر کی فوج نے ہمارا تعاقب کیا موسیٰ؟ تب اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی۔ تم یقین کیوں نہیں کر سکتے کہ اللہ ہمیں راستہ دکھائے گا؟ بادل کا ایک ستون صبح میں اور آگ کا ایک ستون رات میں۔ ہم لوگوں کو سکون حاصل ہوگا جب ہم وعدہ کی ہوئی زمین پر بس جائیں گے موسیٰ۔ موسیٰ، لوگ بہت تھک چکے ہیں موسیٰ، اور وہ رکنا چاہتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ ہم نہیں رک سکتے۔ دیکھو، یہ بادل ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہم بڑھتے جائیں۔ ہم سبھی کو اسی وقت تھم جانا چاہیے موسیٰ۔ ہم آزاد ہیں مریم، آزاد، اپنے اللہ کی پیروی کرتے ہیں، جہاں وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ ہم نہ رکیں، خواہ ہمیں کسی وقت ایک قدم ہی کیوں نہ بڑھنا پڑے۔ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم لوگ محض ہارے ہوئے لوگ ہیں، ہم اپنے جذبے کے ساتھ نکلے تھے، اور اب ہم سمندر پر جا کر رکیں گے۔ موسیٰ! موسیٰ! ہم مصیبت میں ہیں۔ یہ بادل کیا ہے؟ مصری فوج، گھوڑے اور رتھ ہر طرف، یہ پیدل فوج اور تیر اور تلوار کے ساتھ مسلح ان کے فوجی۔ کیا فرعون ان کے ساتھ ہے؟ میں فرعون کا پرچم دیکھ رہا ہوں ان کے درمیان۔ اب ہم کیا کریں موسیٰ؟ اللہ نے مجھ سے کہا، میں نے فرعون کا دل سخت کر دیا ہے تاکہ وہ ہمارا تعاقب کرے، پھر یقیناً فرعون اور اس کی فوج تعریف و توصیف بھی کر لے گی، اور تمام مصری جان جائیں گے کہ میں ہی خدا ہوں۔ آپ یہ جانتے تھے لیکن ہمیں بتایا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہوتا کہ مصر میں غلاموں کی طرح رہتے، بجائے اس کے کہ ریگستان میں مر جاتے۔ مصریوں کے غلاموں کی طرح ہم غلام ہو کر بہتر تھے۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیوں نہ ہم لوٹ جائیں؟ چلو ہم خروج کر لیں، وہ ہمیں واپس اپنا لیں گے۔ نہیں، ہم نہیں لوٹ سکتے۔ اللہ کی رضا پر نظر رکھو۔ آؤ ہمارے پیچھے، آؤ سمندر کی طرف، آگے پیچھے۔ موسیٰ کو دیکھو، اب وہ آخر کیا کرے گا؟ وہ چٹان پر کھڑا ہوا ہے، شاید وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اپنے آدمیوں کے ذریعے وہ فرعون اور اس کی فوج کو شکست دے دے گا۔ مصری ہماری عقب میں ہیں اور سمندر ہمارے سامنے۔ مجھے تیرنا نہیں آتا۔ اور موت ہماری منتظر ہے، ہم مر جائیں گے۔
अम्मी मुझे डर लग रहा है। वहाँ खड़े खड़े मुंह ताकने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो और कुछ करो। या अल्लाह, काश उन्हें एहसास हो जाए कि अल्लाह ही अजीम और शान है। अल्लाह ने हमारे लिए वहाँ पर रास्ता पैदा किया जहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं था। यही है वो अल्लाह की अजीम जात। लोगों को ले आओ, समंदर पार कर लो। आओ समंदर की तरफ आते जाओ, चलो। वो लोग आ रहे हैं। तुम्हारा खुदा किस बात का मुंतजर है मूसा? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आपका अल्लाह आखिरी लम्हे तक इंतजार कर रहा है? मूसा आप कुछ करते क्यों नहीं? मूसा, हर कोई बात कर रहा है। क्यों अपने खुदा के लिए बात कर रहे हैं आजूर? मैं मानता हूँ कि अल्लाह कादिर है, लेकिन ये नहीं जानता कि वो ये चाहता है, इसलिए कि हम सब मुकम्मल नहीं हैं। ये तुम्हारे अंदर का गुलाम है आजूर, जो हमेशा अपने हाकिम का स्याह रुख देखता है और जिसके पास नेक चरवाहे की आवाज सुनने के लिए कान नहीं है। और कौन तुम्हें नुकसान देह रास्ते से बचाता है? आजूर, अगर तुम इस तरह बात करोगे तो तुम अपनी ही आवाज सुनोगे। तुम्हें इस तरह से बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए आजूर। मन मेरे मुंह के ऊपरी हिस्से में चिपक कर रह गया है। हमें पानी चाहिए। अपने खुदा से कहो कि वो बादलों को निचोड़ दे और उनमें से पानी बरसाए। क्या अल्लाह हमें मार डालने के लिए यहाँ लाया है? नहीं, ये कोई तरीका नहीं है मेरे भाई। पर तुम हमेशा हमें भड़काते हो। चलो मूसा को छोड़ दें और मिस्र की तरफ कूच करें। मुझे रास्ता नहीं मालूम। तो फिर चुप रहो। चलो हारून और मरियम आप भी। अल्लाह ने मुझे उनकी तरफ जाने का हुक्म दिया है। प्यासों को इकट्ठा करो, अल्लाह उन्हें पानी पीने के लिए कुछ देने वाला है। सुना लोगों,
मूसा कहते हैं कि अल्लाह हमें बचा लेगा। मेरे साथ पहाड़ के दामन तक आओ, देखें ये अंजाम तक कैसे पहुंचता है। चलो, हमारा क्या नुकसान है। सुनिए सभी, पीछे हट जाइए। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं इस चट्टान पर जरब लगाऊं। अल्लाह अजीम है पानी, अल्लाह अजीम है पानी, पानी। हमारे अल्लाह पर कौन शक कर सकता है, हम महफूज हैं। मैं भी क्या बेवकूफ हूँ, अल्लाह हमारे बीच ही है। इस जगह को मैं आज से एक नया नाम देता हूँ, वो है मस्सा। वो इसलिए कि तुम लोगों ने अपने अल्लाह को यहां आजमाया है। हुजूर, देखिए कोई आ रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं? कौन है वो लोग? ये मेरा खानदान है यहोशू, सफोरा, मूसा, 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 सफोरा, सफोरा, सफोरा। अली हाजर, कैसे हो तुम मेरे बेटे? मैं अच्छा हूं अब्बा जान, मैं कितना खुश हूं आपको देखकर। मैं भी हूं बेटे, पहला उठे बेटे, गर्श हो। मैं कितना खुश हूं तुम्हें देखकर। ये बहुत मुश्किल सफर था मेरे सरताज। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं महफूज सफर के लिए और खानदान को फिर से इकट्ठा करने के लिए। आओ यहोशू, ये मेरा दस्त रास्त है। तुम्हारा मेरे पास आना मेरे खानदान को यकजा करने का सबब बना है, और ये सबब मेरे लिए रेगिस्तान में एक नखलिस्तान की तरह था। और अब मैं नेबू की पहाड़ी पर जाऊंगा, क्योंकि तुम बाकी की कहानी जानते हो। नहीं अब्बा जान, बराए करम आपने वादा किया था कि पूरी कहानी बयान करेंगे, अब तक की अब्बा जान। ये सही नहीं, अपने वादे से मुकर जाना सही नहीं है। मेरा दिल इस मुहायदे को तोड़ने की इजाजत नहीं देता, और खास तौर पर इसी दिन। अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त।
अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर, आओ देख तारीख सफर, अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, गुजरे हुए वक्तों पर डालो एक हकीकी नजर, उनकी ये कहानियां डालेंगी हर एक पे असर, उन पर था खुदा का अक्स, रास्तबाज थे वो शख्स, अल्लाह के बंदे उनके हुक्म पे चलते, शको शुबा शिकायत ना करते, अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। तुम्हारा मेरे पास आना मेरे खानदान को यकजा करने का सबब बना है, और ये सबब मेरे लिए रेगिस्तान में एक नखलिस्तान की तरह था, और अब मैं नेबू की पहाड़ी पर जाऊंगा क्योंकि तुम बाकी की कहानी जानते हो। नहीं अब्बा जान, बराए करम आपने वादा किया था कि पूरी कहानी बयान करेंगे, अब तक की अब्बा जान। ये सही नहीं, अपने वादे से मुकर जाना सही नहीं है। मेरा दिल इस मुहायदे को तोड़ने की इजाजत नहीं देता, और खास तौर पर इसी दिन। अल्लाह तुम्हारी आजमाइश कर रहा था, तुमने देखा कि अल्लाह ने खुद तुमसे आसमान से बात की तुम्हारे उसे देखे बगैर। अल्लाह के नाम की तारीफ और तौसीफ हो। यौमे अलसबत को मुतबर्रक बनाना याद रखना, अपने वालिदैन का एहतराम करना, ज़िना मत करना, क़त्ल मत करना, चोरी मत करना, किसी के खिलाफ झूठे गवाह मत बनना, किसी चीज की लालच मत करना। ये रहा वो खून जिसका इकरारनामा अल्लाह ताला ने तुमसे किया था, इसलिए कि तमाम कहावतों के मुताबिक
گوشت کی زندگی اس کے خون میں ہے۔ میں نے اسے قربان گاہ میں اس لیے دیا ہے تاکہ تمہاری روحوں کا کفارہ ادا ہو سکے، اس لیے یہ خون تم سب کی روحوں کا کفارہ ادا کرے گا۔ السلام علیکم سفورا۔ وعلیکم السلام۔ سب کچھ کب ٹھیک ہوگا؟ بہت جلد، بہت جلد ایسا ہوگا جیسا کہ ہم میڈیان میں تھے اور ہمارے بیٹوں کی اولادیں ہوں گی اور بہاروں کی چراگاہ میں مویشی چریں گے۔ آپ بھول گئے کہ آپ کہاں ہو موسیٰ؟ نہیں سفورا، مجھے پتا ہے میں کہاں ہوں۔ کاش میں کہیں اور ہو سکتا اور اس دن کا خواب مجھے جینے کی تحریک دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وعدہ کی گئی زمین ایک بہت بڑی امید ہے سفورا۔ کل میں پہاڑی پر جاؤں گا۔ چلو اب سونے آ جاؤ۔ کل اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ وہ دیکھو، وہ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں۔ وہ کتنی دور تک پہنچے ہوں گے؟ انہوں نے تو نہیں کہا، لیکن وہ اپنے ساتھ بالکل بھی کھانا اور پانی نہیں لے گئے۔ ان سب کا کیا مطلب ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ چلو لوٹ چلیں، اس سے پہلے کہ لوگ ہمارے لیے فکر مند ہو جائیں۔ چلو چلو چلو۔ سفورا، ہارون، لوگ اب موسیٰ کی فکر کر رہے ہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ 40 دن تو ہو چکے ہیں۔ میں لوگوں پر قابو نہیں پا سکتا۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ مرنے والے ہیں۔ انہیں تو پورا یقین ہے کہ وہ مرنے والے ہیں۔ میں وہ سب کچھ کر چکی ہوں جو میں کر سکتی تھی۔ وہ لوگ آ رہے ہیں ہارون، دیکھو وہ لوگ آ رہے ہیں۔ ہارون، تم جانتے ہو کہ وہ مر چکا ہے اور پرندے اس کا گوشت تک کھا چکے ہیں۔ بس کرو، کوئی نہیں جانتا۔ وہ لگاتار پچھلے 38 دنوں سے غائب ہے۔ 38 دنوں سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پانی کا قطرہ پیا ہے۔ ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ ہم اب نہیں رک سکتے، ہم مر جائیں گے اگر پہاڑی کو چھو لیا تو۔ تم جا سکتے ہو ہارون۔ میں کیا، وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ ہارون، لوگ خوف زدہ ہیں، انہیں اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کچھ ایسی چیز چاہتے ہیں جسے دیکھ سکیں اور چھو سکیں۔ ہارون، ہم سب خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہ کرنا ہارون۔ ہارون، لوگ بغاوت پر آمادہ ہیں اور مصر لوٹنے یا کسی اور جگہ لوٹنے پر اتارو ہیں، اس پہاڑی کے اس روشن دامن کے علاوہ۔ پھر اب کیا؟ خیمے میں جتنی بھی سونے کی بالیاں ہیں لے آؤ، جاؤ جلدی۔ ہارون، میں تم سے درخواست کرتی ہوں۔ چپ ہو جاؤ سفورا، میں کہتی ہوں چپ ہو جاؤ۔ آگے جاؤ، اس بچڑے کو قربان گاہ سے اٹھاؤ۔ ٹھیک ہے،
कल अल्लाह की दावत है। ये है वो अल्लाह जो तुम्हें मिस्र से बाहर लेकर आया है। ये अल्लाह की बेअदबी, बेहुर्मती और तौहीन है। उस दिन अल्लाह उन लोगों को नेस्तो नाबूद करना चाहता था, कुर रहे जमीन से नापैद कर देना। अल्लाह उनसे सख्त नाराज था। अल्लाह ने कैसे इस तरह उन्हें जिंदा रहने दिया। चलो मुझे बताने दो कि आगे क्या हुआ। मूसा, ऊपर से नीचे तक लोग बिगड़ चुके हैं। मैंने उन लोगों को देखा है, ये लोग जिद्दी और सख्तगीर हैं। और अब मेरा ऐज़ो हज़ब उन्हें नेस्तो नाबूद कर देगा, फिर मैं तुम्हें अजीम बनाऊंगा। सुनो, ये जंग का बिगुल है जो खेमे में जंग के लिए बजाया गया है। नहीं, वो लोग दफ पर रक्स कर रहे हैं। तो देखें कि हुआ क्या है। आओ। हारून, सोने को बहुत ही महीन पीस लो और इसे पानी में घोलो और घोल कर लोगों से कहो कि इसे पिए। हारून, हारून आओ। उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया, बोलो। कैसे उन्होंने अजीम गुनाह करने पर तुम्हें आमादा किया। बेरहम ना हो मेरे आका, आप इन लोगों की बुराई को नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा, आप एक ऐसा अल्लाह बनाओ जो हमारे सामने चले फिरे। क्या पता था उस शख्स में मूसा को ऐसा क्या लगा कि वो हमें मिस्र से बाहर ले गया। उन्होंने सोचा कि मैं मर चुका हूँ। मैंने उनसे कहा, जिस किसी के पास सोना हो वो मुझे ला कर दे दे। तब मैंने उसे आग में डाला और उसे आग में डालने के बाद उसमें से बछड़ा निकल आया। मैं डरा हुआ था कि अल्लाह पहाड़ी से नमूदार होकर उतर आएंगे। मैं ऊपर तक गया ताकि इस शर्मनाक सुलूक का कुफारा अदा कर सकूं।
लेकिन अल्लाह का अदल लामुतनाही है। मैं जानता हूं कि सिर्फ अल्लाह की इताअत करना है। उसकी नजरों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं, खा वो कितना ही छोटा और गैर अहम क्यों ना हो। रहबरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सफूरा। मरियम, एक बोझा, काफी बड़ा वजनी बोझ, मैं नहीं चाहती कि मेरी कमर टूट जाए। मूसा उन लोगों के गुनाह को अपना गुनाह महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि वो उन्हें मिस्र से बाहर लेकर आए हैं। क्या उसने तुमसे ऐसा कहा? मूसा ने कहा है कि वो अल्लाह के हुजूर हाजिर होने को बहुत ही बेताब है, और ये भी कहा है कि अल्लाह उन लोगों को मिस्र से बाहर लाने पर नाखुश है, और वो लोग सरकश और सख्त दिल है। उससे अफसोस है, हम लोग गुलाम हैं, और गुलाम लोग मुस्तकिल बड़बड़ाते और एहतजाज करते हैं, और उन्होंने मिस्र से बाहर जाने की पूरी नेकनामी बछड़े को दे दी है। और मेरे मूसा का इस बारे में क्या कहना है? उनका तो बस यही कहना है मरियम, इसराइलों का अल्लाह ही सच्चा है, अल्लाह मौजूद, और बछड़े की इसमें कोई काबिलियत या लियाकत नहीं लोगों के आगे। सुनहरी बछड़े के लिए जश्न मनाना उनके लिए दर्दनाक था। लोग जश्न मनाने के लिए उसका सिर्फ बहाना बना रहे थे, सच तो ये है कि लोग काफी थक चुके थे। उन लोगों ने एक अजीम गुनाह का इर्तिकाब किया है। और भला ये फैसला करने वाली आखिर तुम होती कौन हो? मरियम को ये खल रहा था कि मैं सफोरा की बात क्यों सुन रहा हूँ। अब्बा जान, सुनहरी बछड़े के बाद आप अल्लाह ताला के हुजूर में कैसे खड़े रहे? मैं अल्लाह ताला के सामने रोता हुआ खाली हाथ गया। वो जिसने मेरे खिलाफ गुनाह किया, उसे मैं अपनी किताब से निकाल देता हूँ। अब जाओ मूसा, लोगों को उस जगह ले जाओ जो मैंने तुम्हें बताया है, लेकिन उससे पहले लोगों के गुनाह का एहतिसाब जरूरी है। खेमे पर कहर नाजिल होता है। कहां है मूसा? कहर उन तमाम लोगों को तबाह कर रहा है जो सुनहरी बछड़े के पुजारी थे। मैं अपनी जिंदगी के लिए फिक्रमंद हूँ। वो तो होने ही वाला था, मैंने आपसे दूर रहने को कहा था ना। मरियम, हम सब लोग हारून की तरह खताकार हैं, हम में से किसी ने भी उसे रोका नहीं, सब लोग बछड़े की तैयारी में लग गए। लेकिन मैंने उसे तरतीब दिया और राह बनाई। हारून, आपने वही किया जो लोग चाहते थे। मूसा को चाहिए कि उसके बजाय मुझे कोसे। मूसा वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है। मैं जानता हूँ। हारून, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? देखो, मैं इसकी वजह हूं। ऐसा क्यों कहती हो कि मैं किसी काम की नहीं हूँ? सफोरा, मैं वो नहीं कह रही थी, तुम वाकई मदद करती हो।
तो आखिर तुम क्या कह रही हो मरियम? असल नुक्ता यह है कि मैं मदद करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम ये बात समझ लो कि मैं यहाँ की निगरा हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। समझती हूँ, फिर भी मैं ये नहीं चाहती कि मैं दाइयों की मदद करूँ और सुबह को मन्ना जमा करने में भी मदद करूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे दरमियान जो भी हो रहा है वो मूसा को जानने की जरूरत नहीं। उनका बोझ बढ़ गया है और मैं इस मामले से अच्छी तरह से निपट सकती हूँ। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर, आओ देख तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर, आओ देख तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। शको शुबा शिकायत ना करते। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। तुम ऐसा क्यों कहती हो कि मैं किसी काम की नहीं हूँ? सफोरा,
मैं वो नहीं कह रही थी, तुम वाकई मदद करती हो। तो आखिर तुम क्या कह रही हो मरियम? असल नुक्ता यह है कि मैं मदद करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम ये बात समझ लो कि मैं यहाँ की निगरा हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। समझती हूँ, फिर भी मैं ये नहीं चाहती कि मैं दाइयों की मदद करूँ और सुबह को मन्ना जमा करने में भी मदद करूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे दरमियान जो भी हो रहा है वो मूसा को जानने की जरूरत नहीं। उनका बोझ बढ़ गया है और मैं इस मामले से अच्छी तरह से निपट सकती हूँ। निपटना किस मामले से मरियम? असल में बात यह है कि हारून खुद को खेमे में फैले अजाब के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था और हम उसे तसल्ली दे रहे थे, बस इतनी सी बात है। हारून कहाँ है? मेरे ख्याल से वो किसी टीले पर पहाड़ी के पास ही होगा। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे पास जीने का बहुत कम वक्त बचा है। अल्लाह मुझ पर रहम करे। नहीं, अभी तुम्हारे जाने का वक्त नहीं आया है। मैंने एक आदमी को मरता देखा, उसकी आंखों में खौफ के साथ एक उम्मीद थी। उसके बजाय मुझे वहां होना चाहिए था। मैंने कहा अभी तुम्हारे जाने का वक्त नहीं आया है, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। अल्लाह ने तुम्हें एक आला मुवल्लिक मुकर्रर किया है, एक रहनुमा की जिम्मेदारियां, ये एक बड़ा बोझ है। क्या मैं उसका अहल रहा हूं? अगर तुम इस काबिल ना होते तो अल्लाह ने तुम्हें मुकर्रर ना किया होता। लोगों को अपने गुनाहे कबीरा पर पछतावा है, उनके लिए तकलीद की एक मिसाल बन जाओ। मेरे भाई, मैं बहुत थक गया हूँ बच्चों। लेकिन कहानी बहुत लंबी है। हाँ, हम उसे पूरा सुनना चाहेंगे। और अल्लाह ने इन दो लो बदल दिया जो मूसा से टूट गई और लोगों ने इबादत की, और अल्लाह ने मूसा को एक नया खास खेमा बनाने का हुक्म दिया और इकरार नामे की ऐसी जगह जहाँ वो लोगों के दरमियान बहस व गुफ्तगू कर सके। आज हम अपने अल्लाह के सामने अपने इकबाले जुर्म का जश्न मनाते हैं। आज हम अल्लाह के मुकद्दस हुजूर में दाखिल हो रहे हैं। खून की कुर्बानी के साथ वो हमारे गुनाह को मोहित करने का मुतालबा करता है। चलो शुरू करो हारून। हारून दो बकरियों के साथ खड़ा है, एक दाईं तरफ और दूसरी बाईं तरफ। अपनी जेब के तरकश से एक सफेद और एक काला पत्थर निकालते हुए वो अपना हाथ खोलकर ये बताता है कि कौन सी बकरी ज़बह होगी। Oh
ज़िबा के बाद वो खून को दो प्यालों में तकसीम करता है, जबकि अंतड़ियां वगैरह दूसरे प्याले में रखी हैं। प्याले में रखी कुर्बानी की वो अंतड़ियां कुर्बान गाह की आग में अल्लाह की खुशनूदी के लिए रख दी गई। पहले प्याले का खून कुर्बान गाह की सींगों पर मल दिया गया है। बचा हुआ खून कुर्बान गाह की आग पर उंडेल दिया गया है। खौफ आजम के लिए लाजिम है कि हाथ और पैर धोकर खुद भी पाक हो जाए इस पाक जगह में दाखिल होने से पहले। खौफ आजम खून से भरा हुआ दूसरा प्याला लेकर खेमे में जाता है। हारून खून में अपनी उंगली डिबोता है और मुहायदा ताबूत के तिलाई फर्श पर सात बार छिड़कता है। बकरी के मुर्दा जिस्म को खेमे से बाहर आग की तरफ ले जाया गया। दुआएं दो। चलो अब्बा जान उस छोड़ी हुई बकरी के बारे में बताएं। वो पूरे खेमे के लिए गुनाहों का कुफारा था और वो उस छोड़ी हुई बकरी के बगैर पूरा ना होता, और जो बकरी कुर्बान कर दी गई उसने हमारे गुनाहों को समेट लिया, और जो बकरी रह गई थी खेमे के बाहर के तमाम गुनाह अपने साथ ले गई हमेशा हमेशा के लिए। मूसा सफोरा, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सफोरा। मरियम और हारून दोनों बाहर हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे कह दो कि मैं कल मिलूंगा। बेहतर है। वो बहुत थक चुके हैं और हम भी थके हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वो आप लोगों से कल मिलेंगे। बहुत अच्छा, ठीक है, हम कल तक इंतजार कर सकते हैं। मरिया आओ, चलो चलो। क्या तुमने देखा हारून?
वो हमें हमारे भाई मूसा से दूर कर रही है और ये औरत सब कुछ अपने ताबे में कर रही है। वो लोग आपसे कल मिलने आएंगे। सफोरा, आज पहले दिन मुझे उस मिस्री को कत्ल करने का एहसास गुनाह नहीं हो रहा है। खुदा ने आज बेहतरीन फजल किया है कि मेरा एहसास जुर्म खत्म हो गया। ओ मूसा, मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला हमारे लिए राहें खोल रहा है सफोरा। मूसा, अंदर आइए। आइए अंदर आइए, खुशामदी, तशरीफ रखिए। अल्लाह आप पर मेहरबान हो। और आप पर भी। आज सब लोग बहुत खुश हैं। जाहिर है अल्लाह के अहद का संदूक उनके दरमियान है। सुनिए मूसा, मैं आज आपके सामने कुछ कबूल करना चाहता हूँ। हाँ जरूर मेरे भाई। कल जब मैं तबर्रुख में खून के साथ दाखिल हुआ तो मैं चल नहीं सका। बेपनाह लुत्फ की लहरों ने मुझे मुतासिर किया जिसके बायस मैं बेहोश हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ मैं ही वो शख्स था जो वहां दाखिल हो सकता था। क्या होता अगर मैं अल्लाह ताला के हुजूर जाकर बेहोश हो जाता या मर जाता? आप मुझे बाहर कैसे निकालते? हो सकता है कि इसके लिए तुम्हारे पैरों में रस्सी बांधनी पड़ती। हारून, हाँ? अल्लाह तुम पर अपनी इबादतगाह में नजर रखेगा। सुनो मूसा, मुझे और भी कुछ कहना है। और क्या कहना है? चढ़ावे कुर्बानी रात दिन बढ़ती जा रही है, ख्वाह किसी अकेले के लिए हो या जमात के लिए, हर मौके पर। इस तरह हम तमाम दिन खून आलूदा रहेंगे और अगर हम इसे नस्ल दर नस्ल करेंगे तो मैं इसका शुमार भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तादाद हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा होगी। लामहदूद अल्लाह की तरह हमारी जिंदगी इस खून में है। मरियम, क्या हुआ? एक औरत खेमे में आई है जो दर्द जहर में मुब्तिला है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। जी बेहतर है। एक औरत दर्द जहर में मुब्तिला है, मुझे उसके पास जाना ही होगा। मैं भी साथ चलती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी पहले की जो जिम्मेदारियाँ हैं, पहले तुम उन्हें पूरी करो, फिर कुछ और सोचना। देखा आपने मूसा, खेमे की इकलौती दाई है इसलिए इसे घमंड हो गया, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई दूसरा भी इस काम में शामिल हो। कोई बात नहीं सफोरा, लेकिन उनकी ऐसी बातों से मेरे दिल को ठेस पहुंचती है। सुनो मूसा, आप मरियम को अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे यकीन है उसका मतलब सफोरा के एहसास को ठेस पहुंचाना नहीं था। मरियम सफोरा से हसद करती है हारून। मरियम, यहाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी, आ जाओ। तुम्हारा सफोरा से इस तरह से बात करना सही नहीं था। मुझे वो कुशैनी औरत बिल्कुल पसंद नहीं है जिससे मूसा ने शादी की है। तुम्हें क्या तकलीफ है मरियम? वो हम में से नहीं है। इसके अलावा मूसा उसी की बात सुनते हैं, वो हमेशा ही उनको अपनी राय दिया करती है। मुझे मालूम है कि वो ऐसा ही करती है। तुम सही कह रही हो। जब से सफोरा आई है, हमारा भाई मूसा पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। मैं उसका सामना करने से बिल्कुल नहीं डरती। क्या? चलो चलो। मूसा,
कौन है? मेरी बात सुनो मूसा, क्या अल्लाह ताला हमारे जरिए भी नहीं बोलता? क्या अल्लाह की आवाज सुनने वाले आप ही अकेले हैं? किस बारे में बात कर रही हो? क्या बात है मरियम? उस कुशैनी ने आपको अपने काबू में कर लिया है और वो हमारे खानदान की नहीं है। उसका नाम सफोरा है, वो मेरी बीवी है। हारून, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि वो आप पर हावी है। तुमने जो कहा उससे मुझे तकलीफ पहुंची है मरियम। इस बारे में आप सोचिए मूसा, सोचिए इस बारे में। शबाह है। हाँ, वो मौजू बड़ा मुश्किल था। तुम्हारी मां ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। दूसरी तरफ वो मेरी बहन थी जिसने मेरी जिंदगी बचाई जब मैं बच्चा था। उन दोनों औरतों को मैं बेइंतहा चाहता हूं। मूसा, जल्दी आओ मूसा। यहोशू, क्या बात है? मजलिस के खेमे में आ जाओ, सब लोग वहां जमा हैं। ठीक है, मैं आता हूं। हारून, मरियम, क्या बात है मूसा? मालूम नहीं, मुझे खेमे में लोगों से मिलने जाना है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ठीक है। इस बात का क्या मतलब है मूसा? चलो हारून और मरियम, आ जाओ।
अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर, आओ देख तारीख सफर, अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, चलते शको शुबा शिकायत ना करते, अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। मतलब है मूसा? चलो हारून और मरियम आ जाओ। गुनाहों की पकड़ मत कर जिसके हम बेवकूफ लोग मुर्तकीब हुए हैं, जिसकी वजह से हमने तुझे गलत कहा। मरियम को मुर्दों जैसी जिंदगी ना दे। देखो, इसके जिस्म का आधा गोश्त फट पड़ा है। मैं दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह इसे शिफा अता फरमा, ये मेरी इल्तजा है। उसके बाद वो वापस लौट सकती है। सात दिन मरियम, सिर्फ सात दिन और।
अल्लाह ने मरियम को सजा क्यों दी थी यहोशू? क्योंकि उसने अल्लाह की मर्जी पर एतराज किया था। हो सकता है कि उसको भी रहनुमाई की ख्वाहिश हो। हो सकता है। जानती हूँ ये आपके लिए मुश्किल की घड़ी है मूसा। वो ऐसी खातून है जिसे अपने आप पर नाज है, ये तकलीफ दे है। मैं जानती हूँ ये आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि लोग जान लें कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है और वो अपनी सरकशी की वजह से सजायाब हुए। वो अब तक गुलाम है, मिस्र अब भी उनके खून में मौजूद है। उनके जहन से गुलामी को निकाल पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। से मांगो, अंदर आ जा, अंदर आ जा। हम फिर से मुत्तहिद हो गए थे जब हम वादा की गई जमीन की सरहद पर पहुंचे। खास तौर से मैं पुरजोश था क्योंकि ये एक नई जिंदगी का आगाज था तुम्हारी अम्मा और अल्लाह के साथ। जाओ उस जमीन पर जिसका वादा अल्लाह ने हमारे जद्दे अमजद इब्राहिम से किया। जाओ अंदर की, खुदा का हुक्म है। शहरों, लोगों और जमीन की जरखेजी की तफसीलात के साथ वापस आओ और तमाम मालूमात इकट्ठा करो और हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ये जश्न मनाने का दिन है। बहुत जल्दी हम जमीन की उम्दा चीजें एक बार फिर चखेंगे जिस तरह हम मिस्र में करते थे। हाँ, जिस तरह हम मिस्र में किया करते थे। आपको कुछ खाना चाहिए? नहीं खा सकता क्योंकि मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। लेकिन आपको खाना होगा। ठीक है, सिर्फ मन की रोटी। ये लीजिए। अब तो 40 दिन गुजर चुके हैं, क्या आपको लगता है कि वो अब भी जिंदा है? लगता है बाग अदन की तरह वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। देखिए, ये वही है। ये वही लोग हैं सफोरा, वो वापस आ रहे हैं।
हाँ कहो। हमने जमीन के तमाम हिस्सों को देख लिया। वहाँ दूध और शहद बह रहा है, लेकिन उस जमीन के बाशिंदे मजबूत और तवाना है, और शहरों के चारों तरफ दीवारें हैं और काफी बुलंद है। और अनक जिन के बच्चों को वहाँ देखा, बहुत सारे जिन। बहुत सारे जिन। मेरा कहना है कि फौरन जाकर जमीन पर कब्जा कर लें, इसलिए क्योंकि हम सब इस काबिल हैं। हम उन लोगों पर काबू नहीं पा सकते, वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। और वो बहुत अजीम जंगजू हैं, वो हमें निगल जाएंगे। हम उनके सामने कीड़ों की तरह हैं। ठीक है, ठीक है, आओ इस जमीन की अच्छी चीजों को चखें। बराए करम आप सब लोग चखिए। और कितनी बार हम झूठ और चालबाजियों के शिकार बनेंगे? और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या तुमने सोचा था कि एक जरखेज जमीन हमारा इंतजार कर रही होगी? चलो हम एक रहनुमा चुन ले जो हमें मिस्र वापस ले जाए। मैं इसकी तायिद करता हूँ। चलो वापस चले। मुर्दा होने से तो हम गुलाम अच्छे थे। ये तो तय है कि ये ताकतवर लोग हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं ही अपने बीवी बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह ज़िबाह होने के लिए नहीं लाया था। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तुम हमारी रहबरी करोगे आजूर। हाँ आजूर, आजूर, मैं आजूर को मुंतखिब करता हूँ। और मैं भी। और मैं भी। क्यों ना हम मूसा से बात करके इस बारे में गुफ्तगू करें? मैं खेमे के अतराफ गया और पता चला कि हर कोई मिस्र लौट जाना चाहता है। चलो मूसा, हमें मिस्र वापस ले जाइए। मूसा हमें मिस्र ले चलो, हमें मिस्र ले चलो, मूसा बचा लो। मूसा, मूसा हमें मिस्र वापस ले चलो, वापस ले चलो। मूसा, मूसा, मूसा हमें मिस्र ले चलो। हमने मिस्र लौट जाना तय कर लिया है, बजाय इसके कि हम मवेशी की तरह ज़िबा हो जाएं। अल्लाह तुम्हें यहाँ लाया है और वो ही तुम्हें बचाएगा। इस जमीन पे जिन है। हाँ हाँ, इस जमीन पर जिन है। जिन है, 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 जिन है। अब हमें कौन बचाएगा? ओजोया, 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 ओजोया। बस करो और सुनो, जिस जमीन से हम गुजरे हैं वो एक बड़ी ही अल्लाह की नेमत है, जहां दूध और शहद की बहारें हैं। और अगर अल्लाह हमसे खुश है तो वो हमें जमीन जरूर दे देगा। लेकिन अल्लाह से बगावत ना करो। उस जमीन के बाशिंदों से ना डरो, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है। उनसे घबराओ मत। कब तक ये बुराई की मजलिस मेरे खिलाफ बढ़ाती रहेगी? तुम्हारी लाशें इस रेगिस्तान में गिरेंगी। 20 साल और उससे ज्यादा उम्र वालों की जो मेरे खिलाफ बढ़ाएंगे, और तुम्हारे बेबे उस सहरा में 40 साल लटकेंगे, और ये उनके लिए एक सजा होगी जो मेरे खिलाफ साजिश रचते हैं। चलिए मूसा, ये रेगिस्तानी जगह छोड़ देते हैं। मैं यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे रहने के लिए नहीं कह सकता। लेकिन आप मेरी जिंदगी हैं, मेरा प्यार और हर चीज। 40 साल तक एक साथ रहने के बाद आप जानती हैं कि आप मेरे लिए कितनी अजीज हैं। मैं आपके लिए फिक्रमंद हूँ। उन लोगों के साथ मजीद 40 साल गुजारना मतलब। लेकिन वो मेरे लोग हैं सफूरा। वो अल्लाह के लोग हैं, उसे उनके साथ जद्दोजहद करने दे। मूसा, हम मिद्यान चले जाएंगे। मैं जानता हूं कि उस दौरान अपनी भेड़ बकरियों का दूध उस वादा की गई जमीन की पहाड़ियों पर निकालने का ख्वाब देखता रहा, लेकिन मुझे शक है कि शायद ही मेरा ख्वाब
इस जिंदगी में शर्मिंदा ताबीर होगा। ओ मूसा, मेरा दिल आपके लिए गमजदा है। मैं अल्लाह के साथ इस रेगिस्तान में मरने को तरजीह दूंगा कि उसकी बनिस्बत उस जमीन मऊद पर उसके बगैर मर जाऊं। क्या उसके बाद लोगों ने शिकायतें करना बंद कर दी? उसके बरक्स उन्होंने तलखी से शिकायतों का सिलसिला जारी रखा। मूसा, 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 हम तुमसे मुलाकात का मुतालिबा कर रहे हैं। मूसा, मूसा बाहर आकर मिले हमसे। हमारे सामने आते हुए डर रहा है। मूसा, अगर तुम बाहर नहीं आए तो हम खेमे के अंदर आ जाएंगे। तुम हमें इस सहरा में क्यों लाए थे? क्या मरने के लिए मूसा? यहाँ खाना नहीं है और पानी नदारत है। हम इस कमबख्त मन से नफरत करते हैं। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे मूसा, नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। चलो चलो। चलो अब चले। लेकिन कहाँ? मैं आज की रात नींबू के दामन में वाकई एक दरख्त के नीचे बिताना चाहता हूँ। लेकिन अब यहाँ सुबह तक क्यों नहीं रुक सकते? इसलिए कि मैं उस पहाड़ी पर अल सुबह जाना चाहता हूँ। मुझे कोहे नेबू जाना होगा। अब वो वक्त आ गया है। एक लम्हा अब्बा जान, हम जीनों को कस रहे हैं। मैं अकेला जाऊंगा। अकेले? लेकिन वो दूर है अब्बा जान, आपके लिए पहाड़ चढ़ना दुश्वार होगा। 120 साल का होने पर भी मैं मजबूत और तवाना हूँ। मेरी नजर धुंधलाई नहीं है, मेरे पैर कमजोर नहीं हुए। लेकिन आप अकेले ही क्यों जाना चाहते हैं? ये वक्त है कि तुम मेरे करीब आओ ताकि मैं तुम्हें अलविदा कह सकूं। अब्बा जान, आप हमारे पास लौट कर आएंगे? सब जा चुके हैं, मरियम, हारून और अब मैं जाने को बाकी हूं। अब्बा जान, हम आपके बगैर क्या करेंगे? अपने अल्लाह को तलाश करना पूरी ईमानदारी के साथ। मैं आपको अकेले जाने नहीं दूंगा। अम्मी, कितनी बेहतरीन औरत अल्लाह ने मुझे दी है। कितना बेहतरीन था ये सफर। अल्लाह अपनी मखलूक से प्यार करता है, वो हम सब के लिए उस तक पहुंचने की राह खोल रहा है। मूसा ने 40 साल तक सहरा में लोगों की रहनुमाई की, उसके बाद अल्लाह कुहे नेबू की चोटी तक मूसा को ले गया ताकि उसे इस जमीन मौत की झलकियां दिखाए। और मूसा की रूह अल्लाह की मौजूदगी में निकली और अल्लाह ताला ने जसद मूसा को दफन किया और उनकी कब्र हमेशा के लिए पर्दाए गैब में छुपा दी गई। अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता।